हरे कृष्णा, कभी आपने सोचा है कि जब पांडव वापस हस्तिनापुर आए और कौरवों के साथ रहने लगे, धृतराष्ट्र के साथ रहने लगे, गांधारी के साथ रहने लगे, और वो सब उनके परिवार वाले थे, उनका खून था और सब था, लेकिन इतनी सेल्फिश लोगों के साथ में वो कैसे अपने मन को शांत करके, कैसे अपने आप को बचाकर, कैसे अपने आत्मबल को संतुलित रखकर और स्ट्रांग रखकर और दृढ़ निश्चय के साथ आगे फिर भी कैसे बढ़ते रहे? क्या क्या नहीं हुआ? भीम की हत्या करने की चेष्टा की गई दुर्योधन ने, हर समय पांडवों को नीचा दिखाया जाता था, कितनी बार फिर लक्षाग्रह हुआ, और ऐसे ऐसे कितनी सारी चीजें हुई। सोचो कुंती और गांधारी, जबकि पूरी इतना प्रेम से कुंती देवी रहती थी उनके साथ में, लेकिन पूरा पता था कि गांधारी को इस बात से तकलीफ थी कि युधिष्ठिर बड़ा है और दुर्योधन छोटा है, युधिष्ठिर ज्येष्ठ है और दुर्योधन थोड़े से रह गया। तो कैसे ऐसे में ये सब साथ में रहते थे, इतने सेल्फिश लोगों के साथ में, जो मतलब सिर्फ मानहानि नहीं पहुंचा रहे उनको, पर उनको पूरी मतलब उनके शरीर को हानि, उनके जीवन को हानि, यहाँ तक कि हत्या करने के लिए तैयार, और पूरे ही अधार्मिक, कुछ भी बराबर संतुलित नहीं, कुछ भी बराबर फॉलो नहीं कर रहे, बोलते हैं वैसा करते नहीं, और सारे टाइम फंसा रहे हैं, और उसमें भी कुंती देवी, पांडव, विदुर जी कैसे विनम्रता से रहते थे, और उस विनम्रता के साथ रहते रहते ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस अपने आप को दबाने दे दिया, कैसे वो दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप के लिए खड़े रहे, और कैसे उन्होंने जो सही चीज थी, जो करनी थी, वो भी बड़ी रिस्पेक्टफुली करी। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत डिफिकल्ट आर्ट है। मैं कभी कभी सोचती हूँ जब महाभारत में ऐसे सब पढ़ती हूँ या देखती हूँ, तब बहुत मन में लगता है कि पता नहीं वो कैसे बने होंगे, किस मिट्टी के बने होंगे, क्या उनकी क्वालिटीज होंगी कि वो उनके साथ में रह पाते हैं। और आज कलयुग में तो माना ही गया है कि दिस इज द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, कि सब जगह आपस में मतभेद होगा, काफी काफी ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ मतलब ऐसे लड़ाइयां छोटी छोटी बड़ी बड़ी, मन नहीं मिलेंगे और बहुत कुछ ऐसे होगा, और सब लोग मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता, है ना? तो ये उपाद्रिता हमेशा होगा, ये क्वारल हमेशा होगी, तो इसमें हम कैसे रहें ऐसे सेल्फिश लोगों के साथ जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, जो हमारे करीबी रिश्ते में हैं, उनके साथ हम कैसे रहें, अपनी ड्यूटीज कैसे करते रहें, अपना संयम ना खोलें और अपने आप को भी प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ाते हुए। तो आज के हम शो में, लाइफ कोचिंग विद नमिता के शो में, जो हर बुधवार को होता है, आज हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे रहें ऐसे जो सेल्फिश लोग हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, उनके साथ कैसे रहें, हाउ टू डील विद योर नार्सिसिस्टिक पार्टनर और अदर पीपल अराउंड यू। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं, काफी लोग यहाँ पर बने हुए हैं, जब तक मैं स्लाइड्स निकालती हूँ आपके लिए सेट करती हूँ, मैं आपसे सबसे सुनना चाहती हूँ कि आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनके आपने आपको ऐसा हुआ है कि आप भी ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं, और आप किन चीजों का फॉलो करते हैं, क्या चीजों का पालन करते हैं, ताकि इन चीजों में आप अपने आप को संयम में रख पाए और अपने आप को काम रख पाए। तो बताइए आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे कमेंट्स देख रहे हैं, और जब तक मैं यहाँ पर स्लाइड्स भी शुरू करती हूँ, तो ये लाइफ कोचिंग विद नमिता शो में, मैं हूँ नमिता पुरोहित, मैं हूँ एक प्रोफेशनल लाइफ कोच, और मेरी एकेडमी भी है, वेर वी आर क्रिएटिंग कोचेस बेस्ड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न विजडम। और ये एक शो का एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, सहते रहें या विरोध करें, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, और उसमें बहुत लोगों को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे हमें ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि वो शो सुन के और वो चीजों का पालन करके काफी लोगों का आत्मबल बढ़ा है। तो मैंने सोचा कि थोड़े और पॉइंट्स शेयर किए जाएं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी टैक्टिक्स चाहिए होती है, टेक्निक्स चाहिए होती है, ताकि अपना ध्यान रखते रहे, हम उन रिश्तों में रहे और अपने आप को आगे भी बढ़ाते रहे। तो आपके ये सब पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं, मृदुला जी कह रही हैं इग्नोरेंस एंड एंड चुप्पी, उर्वशी कह रही हैं मैं रोज इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, बहुत मुश्किल होती है, मैं इवेंचुअली फिर उनको बोल देती हूँ कि आपका ये गलत है, और सृष्टि कह रही है कि घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है मैम, और
वैलियन जगलर कह रहे हैं आई एम इग्नोरिंग जब तक हो सके, और वाह द आर्ट कह रहे हैं, व्हाट द आर्ट कह रहे हैं, माय मदर इन लॉ इज नार्सिसिस्ट एंड फादर इन लॉ हेनपेक्ड हस्बैंड एंड सेडिस्ट एंड आई हैव बिकम द फेवरेट सॉफ्ट टारगेट। चलो आपको समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है। गोमती जी कह रही है कि हाँ ये तो हर दूसरे घर में ये हो रहा है। मृदा जी कहती है कि वो इग्नोरेंस में रहती हैं, मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस, और एक चुप्पी रख के रखती हैं और अपने काम से काम रखती हैं, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। और दीपाली कह रही है मुझे सिर्फ रोना आता है। निराली कह रही है कि एनीवे आपके नाम है कोई, कोई कह रहा है मेरे हस्बैंड डिसऑनेस्ट है, ब्लैक मैजिक करते हैं, और सब ने मेरे किसी ने मेरा समय बर्बाद कर दिया है। तो मतलब ये काफी जगहों पे है, कितने सारे कई कह रहे कि हाँ मेरे पार्टनर बहुत से पैसों के पीछे पागल है, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। और कैसे कैसे डिसाइड करे कि मैं अपने मतलब मुझे नहीं होता लेकिन मेरे पिताजी हैं, तो मैं मेरी माँ और मेरे भाइयों को कैसे बचाऊं उनसे। और ये कितने सारे मतलब कितनी कितने सारे कमेंट्स हैं, और सबने अपना अपना अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और अपने अपने हिसाब से वो क्या डील करते हैं वो शेयर किए। तो ये सब भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं दर्शकों, आप कमेंट्स में भी देखते रहिए, अच्छी अच्छी इंसाइट्स सबने शेयर करी है। और हम थोड़ी स्लाइड शुरू करते हैं और आपके साथ में पॉइंट्स पेश करते हैं। स्लाइड शो के बाद में हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं आपके सामने, बहुत सारी टेक्निक्स आने वाली है आपके सामने। आज मैं कोई एक्रोनिम नहीं बना पाई क्योंकि थोड़े ज्यादा ही पॉइंट्स हो गए थे। तो आप अगर किताब लेकर बैठना चाहते हैं, कुछ कुछ नोट करना चाहते हैं तो कीजिए, और ये शो हमेशा रहेगा आपके रेफरेंस के लिए। यही लिंक पे जहां पर आप देख रहे हैं वहीं से आप इसको रेफर कर पाएंगे, बार बार जा पाएंगे। और एक बहुत अच्छे वॉलंटियर हैं जिन्होंने अब कुछ 2-3 समय से चैप्टर्स बनाने शुरू किए हैं हमारे लिए। पहले मैं क्या करती थी, अब उन्होंने शुरू कर दिया है, तो आपको चैप्टर्स भी अच्छे से मिल जाएंगे। तो आप एक एक पॉइंट को क्लिक करके आप वो पॉइंट पे जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग स्लाइड्स नाउ एंड देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, और कैसे हम रह सकते हैं, और कैसे इन सिचुएशन से हम डील कर सकते हैं। और सो हाउ टू डील विथ योर नार्सिसिस्टिक पार्टनर, या जो सेल्फिश होते हैं या जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद के बारे में ये सोचते हैं, इन लोगों के साथ में रिश्तेदारी कैसे निभाई जाए, कैसे अपने धर्म का पालन किया जाए। क्योंकि देखिए हम भारतीय हैं, हमारी वैदिक संस्कृति है, हमने तोड़ना हमारी संस्कृति नहीं है ना, हमारी संस्कृति जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ के रखें और कैसे अपने आप को भी जोड़ के रखे। ऐसा नहीं कि रिश्ता जोड़ने के मतलब की चेष्टा करते करते और कोशिश में हम अपने आप को बिखर जाने दे, अपने आप को टूटने दे। तो हम अपने आप को भी कैसे जोड़ के रखें और वो रिश्तों में भी कैसे संतुलन बनाए रखें। एक बात है, आज का टॉपिक ये नहीं सिखाने वाला है कि उनको कैसे बदले, वो नहीं सिखा रहा है, ये सिखा रहा है कि आप अपने आप को कैसे बना सकते हैं और क्या टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं ताकि आप इन सिचुएशन से डील कर सकते हैं। तो मैंने करनी शुरू कर दी है स्लाइड्स शेयरिंग। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, जस्ट वन मोमेंट प्लीज। ओके यस, आपको स्लाइड्स अच्छे से दिख रही हैं। तो अब ये जो पर्सनालिटी थी, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, इनके साथ में भीष्म पितामह कैसे रहते थे, पांडव कैसे रहते थे, विदुर जी कैसे रहते थे, मैं कभी कभी यही सोच के मैं समझ नहीं पाती हूँ। फिर मुझे समझ में आता है कि हाँ ये हमारी वैदिक संस्कृति है जिसमें हम जोड़ के रहते हैं। लेकिन महाभारत में किसी ने भी भीष्म पितामह है या विदुर जी है, कुंती देवी है या जो 5 पांडव है, उन्होंने अपने आप को बिखरने नहीं दिया, उन्होंने अपना संयम बना के रखा और खुद आगे भी बढ़े। सबने अच्छी गति पाई, सब अच्छे से आगे बढ़े धर्म का पालन करते हुए। तो वो क्या क्वालिटीज है, आज हम वो भी सीखेंगे। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के साथ रहकर हमें क्या होता है, हम पर क्या असर आ जाता है, वो असर उनकी क्या पर्सनालिटी रहती है जिसके कारण वो वैसा हमारे साथ डील करते हैं, और हमें हमें अपने आप में क्या बदलना है ताकि हम पे वो असर ना आए। तो शुरू करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में रह के हमें क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है, हमेशा एक सेल्फ डाउट और एक सारे समय एक कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो सारे टाइम आपकी क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं या आपको गलत और दोषी ठहराया जाता है, और जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको वो बताते कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करना था। अगर उनका बताया हुआ मार्ग भी आपने फॉलो किया ना, आपने वो भी किया, उसके बाद कहेंगे कि अरे ऐसे नहीं, तुमको तो मैंने वैसे बोला था, तो आपको सारे टाइम कंफ्यूजन रहता है।
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है व्हेन दे आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, वो आपसे कुछ सीनियर होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और ज्यादा सेल्फ डाउट होने लगता है, खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप रोज यही सुनेंगे कि आप सही नहीं है, आप गलत हैं, आपका ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, वैसा सही नहीं है, आप क्या है वो बिलीव करने लग जाते हो और आपको खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ट्रॉमा, जैसे लोग कोई कोई वॉर फ्रंट पे जाके आया है, बॉर्डर पे जंग करके आया है, तो वो सब चीजें देख के उसको कैसा ट्रॉमा हो जाता है, या कोई घायल होके आया है, कोई बम विस्फोट से बच के आया है, उसके माइंड में कैसा ट्रॉमा हो जाता है और उसके ब्रेन में कैसे चेंजेस होते हैं, वैसे ही चीजें आपके साथ होने लगती हैं। और इसे कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी कहा जाता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बट कॉम्प्लेक्स क्योंकि लंबे समय तक चलते रहता है। एक कई लोगों को एक अपने पेट में एक ऐसी खाई जैसी फील होती है कि बस अंदर ही अंदर कुछ तो खींचे जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ मरोड़े आ रहे हैं जैसे ही वो लोग सामने आते हैं। कई लोगों को लगता है कि सांस आना बंद हो जाता है, घुटन सी होने लगती है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और हमेशा थकान महसूस होती है ऐसे लोगों के साथ में रह के, क्योंकि आप सारे टाइम कंफ्यूजन में रहते हो और आप सारे टाइम अलर्ट रहते हो 100% कि अब क्या हो जाएगा, कि अब क्या हो जाएगा और अब मुझे किस चीज से अलर्ट रहना है, कौन से गुनाह की मुझे सजा मिलने वाली है, या कौन सी चीज मुझ पर ब्लेम की जाने वाली है, मुझे क्या क्या होने वाला है। और आप धीरे धीरे इट्स कॉल्ड स्टॉकहोम सिंड्रोम, जैसे कि कोई टेररिस्ट के साथ रहकर उसे वो टेररिस्ट ठीक लगने लगता है, अगर आपको कोई किसी ने जैसे कब्जा किसी ने आपको किडनैप कर लिया हो, तो जो बच्चा होता है उसको लगता है हाँ किडनैपर बहुत अच्छा है, या जो बड़े भी होते हैं उनको लगता है किडनैपर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा अच्छा भी करते रहता है और आपको लगता है नहीं ये ह्यूमन बींग है, अच्छा है, ऐसे नहीं है, तो आप और इमोशनली भी डिपेंडेंट होने लग जाते हो उनके ऊपर, क्योंकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस और खुद का कोर स्ट्रेंथ इतना कम हो गया है, तो आप उन पर आपको वो ऐसा कुछ हो जाता है कि आप उन पे इमोशनली डिपेंड भी हो जाते हो, कई केसेस में ऐसा होता है। और हमेशा एक ड्रेन्ड आउट सी फीलिंग आती है कि जैसे पता नहीं कितने मच्छरों ने खून चूस लिया हो आपका, या कितने लीच आपके ऐसे खून चूसने वाली चीजें ऐसे हजारों सैकड़ों आपके साथ लगी हुई है, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग भी होते हैं, सारे टाइम आपको उनके इर्द गिर्द घूमना होता है, सारे टाइम उनको जो चाहिए वो करना होता है, और अगर आप वो नहीं करो तो एक बवाल सा खड़ा हो जाता है, तो ये सब आपको होने लगता है। और अब ये सोचिए वो कैसे रहते थे महाभारत में, उन पर ये सब शायद असर हमें तो समझ नहीं आया किताबें देख के, और लेकिन हमें तो ऐसा होने लगता है। तो अब हम ऐसा क्यों फील करते हैं उनके साथ में रह के, क्योंकि ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें एनर्जी वैम्पायर भी कहा जाता है। वो आपकी पूरी जो एनर्जी है ना, जो आपकी पूरी शक्ति और ऊर्जा है, वो सकआउट हो जाती है उनके साथ में रहके। क्यों? क्योंकि वो खुद बहुत लो एनर्जी में रहते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम वगैरह बहुत लो रहती है, उनको बिल्कुल सेल्फ वर्थ जीरो रहती है, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत पावरफुल है, बहुत सुपर कॉन्फिडेंट है, लेकिन क्या होता है वो अंदर ही अंदर उनको अपने आप के प्रति ज्यादा प्रेम नहीं होता है। They don't love themselves, और इसके बारे में हम और थोड़ा देखेंगे। और जब भी उनको अटेंशन नहीं मिल रहा होता है ना, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, तो वो सारे टाइम ऐसी चीजें करते रहते हैं कि आप सारे टाइम उनके प्रति अटेंटिव रहो, और उससे आपकी एनर्जी वो सकआउट होती रहती है। उन्हें बिल्कुल भी आपकी फीलिंग्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है, क्योंकि उससे उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है आपकी फीलिंग समझ के, क्योंकि उनका फायदा नहीं हो रहा है तो आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं कदर देते हैं, और सारे टाइम आपको बोलते हैं आपकी फीलिंग ही गलत है। उनको कोई गिल्ट नहीं होता अपने एक्शंस का, उनकी सेल्फ वर्थ जीरो होती है, अबिलिटी टू मेक रिलेशनशिप्स डाउन होती है, क्योंकि रिलेशनशिप में एक आदान प्रदान होता है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ प्रदान ही प्रदान करते रहते हो, तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है। और उनको लगता है कि मैं सेल्फ सेल्फिश, मैं बेस्ट हूं, और कैसे मैं मेरे इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमनी चाहिए, बस मेरा ही सब कुछ होना चाहिए। उन्हें ये समझ नहीं आता कि जैसे मेरी जरूरतें हैं वैसे दूसरों की भी जरूरतें हैं, तो इसलिए क्या होता है कि आप ड्रेन्ड आउट फील करते हो और आपकी एनर्जी ऐसे सकआउट होती है। तो थोड़ा मुझे बताइए दर्शकों, किनको ऐसा फील होता है ऐसे चित्र जो में जो आ रहा है आपको, क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है? थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर चैट में कि आप क्या कह रहे हैं। और ये कोई कह रहे हैं कि एन सिंह जी कह रही हैं जयपुर से कि आई ट्राई टू रिमेन क्वाइट एंड प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड स्ट्रेंथन माई सेल्फ, गेट इन टू माई मेडिटेशन विद होप इट विल मेक मी वाइज टू डील विद द सिचुएशन। और कोई कह रहे हैं कि यस एब्सोल्युटली क्लियर पिक्चर है, ऐसे ही होता है। और निराली जी कह रही है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, सबको कह रहा है, गोमती जी, पुष्पा जी, दिव्या भाटा जी, एन सिंह जी, सब कह रहे हैं, एजुकेशन फरारी जी, रेखा जी, सब कह रहे हैं कि ऐसा ही फील होता है। मतलब ये कॉमन
फिनोमिना है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, कॉमन फिनोमिना है। मतलब कि वो जो जिनके साथ में हम रह रहे हैं वो उनका भी एक कॉमन नेचर रहता है, तो वो आपको चुन के वैसा बिहेव नहीं करे, वो उनका नेचर होता है। और ये रियली एक पीड़ा जैसी पीड़ा देते हैं, क्योंकि आपको जो पीड़ा फील हो रही है वो सब लोगों को भी यहाँ फील हो रही है। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि आई फील एंग्शियस ड्यूरिंग द वीकेंड, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। और सब कह रहे हैं यस रेखा जी, अनीता जी, देखिए सो मेनी पीपल आर एक्सप्लेनिंग कि उनको भी सेम एक्सपीरियंस है। मतलब आपका एक्सपीरियंस गलत नहीं है, उन लोगों के साथ में रह के जब भी आप ये एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो दे ब्रश इट ऑफ, बोलते हैं ये गलत लग रहा है तुमको, मैं तो ऐसा हुई नहीं। आपकी ना बुद्धि गोल हो जाती है उनके साथ में, क्योंकि वो कन्वीनियंटली फैक्ट्स चेंज कर देते हैं जब आप कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सो सी, आप अकेले नहीं है जिनको ऐसा फील होता है। देखिए कितने सारे लोग हैं कि कितने सारे लोग हैं कि ये कैसा है, और कई कह रहे हैं कि हाँ डर भी लगता है। यस एक डर भी फील होता है, क्योंकि कई बार वो लोग बहुत अग्रेसिव और वायलेंट होते हैं। जितने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं ना, मतलब कि वो उतने ज्यादा अंदर से खोखले होते हैं या पीड़ित होते हैं। और कई लोग अग्रेसिव नहीं होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, बड़े शांत, बड़े स्मूथली काम करते हैं अपना, बड़े स्मूथली बात करते हैं। आप बाहर किसी को जाके कहेंगे कि इनका आपके साथ में ऐसा बिहेवियर है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो दे रियली नो उनकी इमेज को कैसे मेंटेन करके रखना। तो आपको लगता है मैं अकेली ही हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो यस कोई कह रहा है मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। यस नीलोफर जी आई रिकग्नाइज यू। अमन जी कह रहे हैं भगवान की दया पे विश्वास रखो। हाँ ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और सडनली कल्याणी जी कह रही है सडनली टॉपिक मेरे ऊपर ही आ जाता है और मेरी पास्ट मिस्टेक्स के ऊपर जब भी मैं कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो सी नन ऑफ यू आर अलोन, एवरी वन हियर इज हैविंग अ सिमिलर एक्सपीरियंस। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस वैलिड है। चलो आगे देखते हैं कि और क्या क्या होता है। कोई कह रहा है आई कांट फोकस ऑन एनीथिंग, है ना, बिकॉज आपकी देखिए एनर्जी ऐसे सक आउट हो रही है। अब ये ऐसे बिहेव क्यों करते हैं ये लोग, क्या आपको ही चुन के ऐसे बिहेव कर रहे हैं? नहीं, ये जहां पर भी किसी को देखेंगे जो सोरा सिंसियर है, जो लोगों की फीलिंग्स की कदर करते हैं, वो उन लोगों को पकड़ के वैसा डील करते हैं। जहां उन्हें समझ में आता है कि नहीं ये थोड़े स्ट्रांग है, ये मेरी मेरे को कदर नहीं देंगे इतनी, उनके साथ में वो अच्छे से जो बंबई की भाषा में मस्का पॉलिश करके रहते हैं उनके साथ में। तो ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि इनका जो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो इन्हें अपने आप अंदर के जो दर्शन होते हैं ना, इनको लगता है ये कोई भी चीज में सही नहीं है। हर इनमें कई सारे इम्परफेक्शन है। अब मुझ में भी बहुत सारे इम्परफेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है ठीक है भाई, अब है तो है, धीरे धीरे इनको ठीक करेंगे। लेकिन इनको अपने इम्परफेक्शन से बहुत घृणा है, बहुत घिन आती है, बहुत ही बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं है। क्या पता इनके बचपन में इन्हें कहा गया होगा कि तुम में अगर तुम में कोई भी इम्परफेक्शन है तो इन्हें शायद कुछ प्यार नहीं मिलता होगा, कुछ चीजें नहीं मिलती होंगी। तो इन्हें ये मन में है कि मुझे परफेक्ट होना है। तो चाहे ये परफेक्ट नहीं है, उस प्रेशर में ये एक बाहरी सेल्फ बनाते हैं, जो एक बहुत बड़ा चढ़ा के मैं इसमें बेस्ट हूं, मैं उसमें बेस्ट हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, तुम बेकार, मैं अच्छा, इनका सारे टाइम माइंड में यही चलते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत शांत होते हैं, अंदर ही अंदर हर सेकंड इनके मन में यही हो रहा होता है कि मैं अपने आप को कैसे बेटर प्रूव करूं। जरा सा इनको लग रहा होता है कि दे आर नॉट लुकिंग गुड, इनकी पूरी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है और ये एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो भाई हम तो इनसे बेटर है कि हमको लगता है ठीक है भाई, ये भी सही नहीं है हमें, वो भी सही नहीं है हमें, कोई बात नहीं धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। बट इनका ऐसा नहीं होता, ये अंदर पूरे इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये क्या एक बाहर एक ऐसा बनाते हैं फॉल्स सेल्फ, ताकि इनको सब अच्छा समझे, ताकि दूसरों के प्रेम मिलने से ये अपने आप को प्रेम कर पाए। इन्हें अपने आप से तो घृणा है, लेकिन बाहर से जब अटेंशन मिलता है तब ये अपने आप को प्रेम कर पाते हैं। और एक बहुत इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे इर्द गिर्द घूमो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ये करो, इन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ सही चल रही है कि नहीं, आपकी इच्छाएं पूरी है कि नहीं। तो ये इनकी नेचर है। और इन्हें किन चीजों से डर लगता है? इन्हें रिजेक्शन से, कोई इन्हें रिजेक्ट कर देगा, कोई इन्हें ह्यूमिलिएट कर देगा, इनकी गलती सामने बता देगा। तो अगर आप इनकी गलती बताओगे ये और आग बबूले होके आपके ऊपर पाउंस करेंगे। और ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनका दिमाग बहुत अच्छे से ट्विस्ट करने में, बातों में अच्छा चलता है। इन्हें फेलियर से बहुत डर है, इन्हें एक्सपोज होने से बहुत डर है। तो अगर इन्हें ये समझ में आ गया कि आपको इनका नेचर पूरी तरह समझ में आ गया है, बाद में ये आपसे बहुत ही हेट्रेड करेंगे।
और ये आपको पूरी तरह नीचा दिखाने की, आपके पूरे वजूद को खत्म करने की पूरी कोशिश में लग जाएंगे, क्योंकि अब इन्हें डर है कि अच्छा इसे समझ गया तो ये दूसरों को भी समझा देगी मेरा नेचर क्या है। इन्हें कोई थैंक्स दे इन्हें समझ में नहीं आता, इन्हें ये डर है कि अच्छा मैं कोई यहाँ पार्टी में गया, मुझे किसी ने तारीफ नहीं करी, अच्छा हम सब यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे और इसके कपड़े की तारीफ हुए, मेरे कपड़े की तारीफ क्यों नहीं हुए। इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स दे आर सुपर इनसिक्योर, और हम क्या डर के मारे इनकी सारे टाइम तारीफ करते रहते हैं, होपिंग कि ये हमें कुछ इनका गुस्सा ना मिले। लेकिन क्या होता है, वो एक खाई है, आप उसमें डालते ही जाते हो, डालते ही जाते हो, करते ही जाते हो, और आप थक जाते हो। उनकी जो वो इनसेशियबल डिजायर फॉर प्रेज कभी खत्म नहीं होती, इन्हें मरने से भी तकलीफ है, बहुत ज्यादा भयंकर डर है, इन्हें कभी भी गिल्ट फील करना ही नहीं होता है, क्योंकि अगर गिल्ट फील कर लिया मतलब मैं बेकार आदमी हूं, मतलब मैंने गलती करी है, तो ये कैसे हो सकता है। तो गिल्ट कभी फील ही नहीं करना है इन्हें, कोई जरा सा कुछ बोल दे नाक पे गुस्सा लेके रहते हैं, ना गुस्सा ना करें, अगर चार्मिंग वाले हों तो ये कुछ और वे में आपके साथ में पैसिव अग्रेसिव वे में कुछ कर लेंगे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट फन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी और के लिए कुछ करना इन्हें नहीं लेनी। और कंट्रोल अगर आप पे छूट जाए तो, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहीं नहीं हो तो, अब ये सब ऐसे रह रह के आपको और क्या होने लगता है, आपको ये बिलीव होने लगता है कि आपके ओपिनियंस, आप जो सोचते हैं समझते हैं, जो आप अपनी अक्कल लगाते हैं चीजों में, आपके ओपिनियन और आपकी जो फीलिंग्स है, जो आपको डर लग रहा है या आपको गंदा लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये मेरे को वायलेट कर रहे हैं या आपको दुख हो रहा है कि ऐसा इनके क्यों कर रहे हैं, वो सब की कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो आपको ये फील, आप खुद में ये डाल लेते हो कि मेरे ओपिनियन और फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि समय वाला वैल्यू नहीं दे रहा तो मतलब कोई वैल्यू नहीं है, हमने अपने आप को अपनी फीलिंग्स और ओपिनियंस को वैल्यू देना तो सीखा नहीं। आपको ये समझ में आने लगता है कि आप बस एक ऑब्जेक्ट हो, आप एक चीज हो जो इनके यूज के लिए बनी है, बाकी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये सारी स्टोरी अपने हिसाब से फिट करने के लिए बताते हैं। आपका पूरा जीवन सिर्फ इनको खुश करने में लगा रहता है, आपको डर लगता है कभी आप खुद के लिए कुछ कर लो तो, आप डर लगता है, आपको लगता है पता नहीं ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर क्योंकि आपको तो सारे टाइम उनका सेवक बन के रहना है, तो अरे अगर आपने खुद के लिए कुछ कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो आग बबूले हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, हर चीज में ब्लेम और क्रिटिसिज्म होता है। आप अपने आप से डिसकनेक्टेड होने लगते हैं कि मेरी आवश्यकताएं क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं मेरे जीवन में क्या करना चाहती हूँ, और आप सारे टाइम अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या क्रिएट होने वाला है, और वो सारे टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं ताकि आप कंट्रोल में रहें। तो वो हमेशा आप ये सोचते हो कि मैं नेक्स्ट क्या होगा, आप हमेशा हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्ट में रहते हो। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में रह के वो कभी ना कई सालों से बराबर ना चैन की नींद नहीं सो पाए हैं, क्योंकि पूरे दिन इतने अलर्ट रहने की आदत पड़ जाती है कि नींद में भी वो सारे टाइम अलर्ट रहते हैं, तो इतनी डीप स्लीप हो नहीं पाती है, फिर क्या बहुत सारी बीमारियां होने लगती है शरीर में। अब आप फंसे कैसे इन लोगों के साथ में, एक तो ये आपके जीवन में आए क्यों, वो तो हमने कर्मा के ऊपर 4 सेशंस कर चुके हैं, लेकिन हर टाइम ये कुछ बोलते हैं तो हम जो दुखी हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, तो ये क्या है, ये जैसे कोई मछली है, ये हुक आता है ना, इसके ऊपर कुछ कीड़ा वगैरह रहता है तो मछली को लगता है खाना है, तो मछली वो खाना खाने जाती है लेकिन वो हुक में फंस जाती है और फिर खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही हम भी इनकी बातों को क्यों बिलीव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में ये एक चीज डेवलप, हमारी भी सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं लो होती है, तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और हम बाहर से, हमें भी बाहर से सप्लाई चाहिए होता है कि कोई मुझे मेरी वैल्यू के बारे में बता दे। नार्सिसिस्टिक लोगों का है कि भाई मेरी तारीफ करो, आई एम द बेस्ट, वो वैसे सप्लाई ले रहे होते हैं, यहाँ हमारा क्या है, एम आई गुड, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मेरे सोचने का नजरिया ठीक है, क्या अच्छा लोग मेरी तारीफ करेंगे क्या। तो हम उस भूख में अगर ये हमारी तारीफ कर देते हैं तो करके हम फंस चुके होते हैं, तो हम, और अगर इन्होंने तारीफ भी नहीं करी लेकिन क्योंकि हमारा नेचर है कि हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, हमें बाहर से चाहिए वैलिडिटी, वैलिडेशन, तो क्या है फिर इनसे जब नहीं मिल रहा होता है वैलिडेशन, ये हमारी हमें नहीं बोल रहे होते कि आप सही काम कर रहे हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो, तब हम क्या करते हैं, हम और अच्छे से काम करने लगते हैं ताकि कभी तो ये कुछ अच्छे बोल बोल दें, और अच्छे से करते हैं, और अच्छे से करते हैं, और हम उसमें ही बिजी रहते हैं और ये देख के मजा उठा रहे होते हैं, और ये कभी आपको वो चीज नहीं देते हैं जिसकी आप में मन में थोड़ी सी भूख है।
तो कहीं ना कहीं आपको मन में ये रहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, इसलिए यू गेट हर्ट बाय देयर थिंग्स। अगर मुझे पता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैं सही हूँ, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी उन लोगों से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे खुद में कॉन्फिडेंस कम है तो इनकी हर बात मुझे बहुत चोट देगी। हम इसलिए भी फंसते हैं इनके साथ में क्योंकि हमें लगता है कि हमें हमेशा दयालु रहना है और हम अपने बिहेवियर से, अपने अच्छे बिहेवियर से इनको हम एलिवेट कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हम उस डायरेक्शन में जाते रहते हैं और अब अपने आप को भूल जाते हैं। हमें आदत नहीं होती है अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होने की और उन्हें एक्सप्रेस करने की, तो हम हमारी फीलिंग्स को नजरअंदाज करना इतना अच्छे से जान गए होते हैं, तो जब हम ऐसे लोगों के संगत में आते हैं तो हमें वो नॉर्मल लगता है और हमें ये फीलिंग रहती है आई नीड लव फ्रॉम आउटसाइड, मुझे बाहर से प्रेम की जरूरत है ताकि मुझे अंदर मैं फील करूं कि आई एम लवेबल, मैं प्रेम करने योग्य हूं। तो ऐसे में हम इनके साथ में हुक्ड रहते हैं हमेशा। लेकिन जब हमें पता है कि नहीं आई एम अनकंडीशनली लवेबल बाय कृष्णा, आई डोंट नीड आउटसाइड लव, तो फिर हमारी थोड़ी हुक इतने कम होते हैं और ये एक ट्रॉमा बॉन्ड भी बन जाता है। जैसे मैंने कहा वो टेररिस्ट सारे टाइम आपको बांध के रखा है लेकिन बीच बीच में आपको कुछ कुछ दे दिया उसने, आपको पनीर की सब्जी दे दीजिए, गरम पराठे दे दिए, तो आपको लगता है कितना अच्छा आदमी है। कॉम्प्लेक्स PTSD होने के कारण भी आप अपना कॉन्फिडेंस खो जाते हो, आपका आत्मबल पूरा कम रहता है, आप सारे टाइम कंफ्यूजन में रहते हो और आप खुद इरिटेटेड और गुस्से होने लगते हो या डिप्रेशन में होने लगते हो, तो आपको फिर बिलीव होने लगता है कि हाँ मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है। आपके एक्चुअली ब्रेन में चेंजेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, तो थोड़ी सोचने समझने की शक्ति भी डाउन हो जाती है और आप में एक अंदर से एक प्रेशर होता है आई मस्ट बी लविंग, चाहे मुझे कोई कैसा भी ट्रीट करे मुझे हमेशा उनके साथ में लविंग ही रहना है। तो ऐसे कैसे करके आप इनके चुंगल में फंसते हो और फंसे रह जाते हो। अब क्या किया जाए ताकि हम इनके साथ में रह सकें अपने आप को बिना खोए, अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए और अपने आप को बिना खोए, तो ये कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम इन लोगों के साथ में रह सकते हैं, अब हम ये देखेंगे। थोड़े मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। सुहासनी जी कह रही है हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्ट इज सो ट्रू, और मैं फोन के पास ही जाने से इतना मुझे डर लगता था। विनीत त्यागी अच्छी बात कह रहे हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड विनी कह रही है कि जी आई एम ऑल्सो अफेक्टेड व्हेन माय हस्बैंड सेड मी एनीथिंग ही ऑलवेज डीमोटिवेट मी। तो हाँ वो कह रहे हैं लेकिन हम डीमोटिवेट हो रहे हैं ना, हम क्यों हो रहे हैं ये मैंने अभी अभी शेयर किया क्योंकि हमें खुद में बिलीव नहीं होता है, हम बाहर से हमें चाहिए होता है कि कोई हमें बताए कि हम ठीक हैं। और कोई कह रहे हैं कि अच्छा मेरे साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड ममता जी, प्लीज विश सो दैट अदर्स आल्सो कैन बी हील्ड फ्रॉम सच अ सिचुएशन। और सोनिया कह रही है कि अच्छे बिहेवियर से ये ठीक नहीं होते और क्योंकि ये डंके की चोट पे रखते हैं आपको। हम कैसे निकल सकते हैं, लो कॉन्फिडेंस है तो वो डेवलप करना पड़ेगा ना। वैलेंट जगलर जी और सो मेनी मोर कॉमेंट्स हियर। और कोई कह रहा है कि मैं घर में खुद से टीवी भी नहीं देख सकती हूँ। और नीलोफर जी कह रहे हैं कि आई एम सो सरप्राइज, ईच एंड एवरी ट्रेट इज सो ट्रू। यस इट इज, तो मतलब कि ये एक डिजीज है जो एक क्योरेबल डिजीज है। जैसे किसी को वायरल फीवर हो जाता है ना, हमें सिम्टम्स देख के समझ में आता है वायरल फीवर है, तो ये एक कॉमन डिजीज है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके लाइफ में जो इंसान है उनको ही है, देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट, देयर आर कॉमन सिम्टम्स एंड काफी लोग हैं पीड़ित इससे। तो मतलब कि यू आर सेन बट यू आर डीलिंग विद समवन जिनको यू नो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। और कितने सारे यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। निखिल जी के वेरी नाइस, सम मोर पॉइंट्स हियर। निखिल जी भी कुछ पॉइंट्स कह रहे हैं। शिवानी जी कह रही है लाउड होने पे उनके वाले कंट्रोल में आ जाते हैं। निखिल जी कह रही है व्हाट टू डू इफ योर चिल्ड्रन आर कन्विंस्ड टू सपोर्ट देम एंड नीड यू टू लिव लाइक अ शोपीस ऑफ देयर ग्रेवयार्ड। आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड दैट। के कृष्णा जी यस, तो कितने सारे लोग डिमोटिवेटेड है, अब इनके साथ कैसे रहा जाए। तो हम चार कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हम अंदर से जुड़े हुए रहें और स्ट्रांग रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और फिर हम बहुत सारी टैक्टिक्स भी डिस्कस करेंगे और हम एक ब्यूटीफुल एनर्जी वाला मेडिटेशन भी करेंगे जिसमें बहुत सारी दर्शकों की रिक्वेस्ट आ रही है कि अब मैम आप कॉर्ड कटिंग सिखाइए, कॉर्ड कटिंग सिखाइए। तो आज हम थोड़ा कॉर्ड कटिंग भी सीखेंगे ताकि
ताकि जो हमारी एनर्जी इस एनर्जी वैम्पायर के पास चली जाती है वो हमारे तक ही रहे, हम सारे टाइम वो कनेक्शन उनके साथ ना बिठा के रखे, तो हम ये भी करेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आई गेट टू फ्रेशन अप, मैं थोड़ा पानी वानी पी लूंगी और एक अच्छा सा यहाँ पे प्रोमो आएगा और फिर हम ये डिस्कस करेंगे हाउ शुड यू लिव विद देम। माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का कोई अधिकार। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के अथक प्रयासों से भौतिक संसार के मरुस्थल में आध्यात्मिक सुख की शीतल छाया प्रदान करती सन 1944 में आरंभ हुई एक पत्रिका, जो आज 30 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। अब इसे प्राप्त करना एवं पढ़ना हुआ और भी सरल। सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए सीधे अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप पर। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और हर महीने पाइए प्रामाणिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा भंडार। सब्सक्राइब करने के लिए आज ही संपर्क करें 8767845845 पर। वेलकम बैक। यहाँ पे एक और मैं कमेंट पढ़ रही थी ब्रेक के दौरान, भाग्यश्री जी कह रही हैं कि हाँ एवरी पॉइंट इज सो ट्रू, आई कैन कनेक्ट सो वेल, और एक बार तो मैं पूरे प्रेशर कुकर सिचुएशन में ऐसे मैं पूरी ब्लास्ट हो गई। और भाग्यश्री जी जब आप ब्लास्ट हुए होंगे ना, उन्होंने यही कहा होगा, देखो तुम तो सारे टाइम ऐसे ही चिल्लाती हो, तुम में तो कोई पेशेंस ही नहीं है, मुझे कितना सहना पड़ता है तुम्हारे चिल्लाने को। उन्हें कोई एम्पैथी नहीं है कि आपने कितनी बार अपने आप को चुप रखा होगा, कितनी बार यू मस्ट हैव बीन वायलेटेड, आपने कितनी बार एक्सप्रेस किया होगा कि मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करो और उसके बाद आप ब्लास्ट किए होंगे, बट दे जस्ट वॉन्ट टू नेगेट योर फीलिंग, जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा देखिए। और अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू लिव विद देम, हाउ टू डील विद देम, क्या करना चाहिए। तो पहले हम कुछ कोर प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे, चार कोर प्रिंसिपल्स जिससे हमें अपने आप को डेवलप करना है, जिससे हम अंदर पूरे अच्छे से जुड़े हुए रहें, एक अच्छा कवच पहन के एक अच्छी बाउंड्रीज बनाकर हम रहें, और फिर हम टैक्टिक्स देखेंगे। तो अब आ रही हैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स, सो जस्ट वन मोमेंट, शेयरिंग दिस, नो ओके, शेयर स्क्रीन। यस, सो हाउ शुड यू लिव विद देम। तो उसके लिए पहले हमें कोर प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। तो अब हम वो कोर प्रिंसिपल्स समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल नंबर वन, हमें बाहर से उनका प्रेम नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो प्रेम करना आता नहीं है उनको, उन्हें रिलेशनशिप बनाना आता नहीं है, क्योंकि वो उनके फायदे का नहीं है। उनका फायदा सिर्फ खुद के बारे में सोचना और खुद की चीजें को पूरी करना है। आपके बारे में सोचने लगेंगे तो उनका डाउन हो जाएगा ना, तो वो आप, दे डोंट वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू एंड ऑल। तो ये जो हम प्रेम की खोज करते हैं बाहर से, वो हमें खुद से प्रेम करना पहले सीखना है। ये मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स का हल इसमें है। तो हम अपने आपसे क्यों प्रेम करते हैं, और हम एक प्रभुपाद जी का भी एक बहुत अच्छा क्वोट देखेंगे ऑन व्हाई वी शुड लव द सोल, है ना। हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान हमसे अनलिमिटेड अनकंडीशनल अहेतुकी प्रेम करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आप परफेक्ट है कि नहीं है, वो ये नहीं देखते हैं कि आपने उनको खुश किया कि नहीं किया, आपने वो सेल्फिश पार्टनर को खुश किया कि नहीं किया। भगवान बिना कारण असीम प्रेम करते हैं हमसे, और आपसे ही नहीं, हर एक व्यक्ति से, हर एक जीव जंतु से, हर एक से, उनसे भी जो आपको पीड़ा दे रहे हैं। तो यहां हम ये पिक्चर देखते हैं कि जब कोई भी वापस जाता है गोलोक भगवान के पास, तो भगवान कैसे उन्हें वेलकम करते हैं। और देखिए बाकी सब लोग भी कितने खुश हो रहे होते हैं, उन्हें जलन नहीं हो रही थी कि भगवान इसको प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं। तो हमें पहले ये कनेक्शन, यहाँ पे देखिए इतने, ये अच्छा एक मुझे इमेज मिला था इस्कॉन डिजायर ट्री का। हमें सबको अपने तार भगवान के साथ जोड़ने हैं। आजकल सब यूएसबी चार्जर यूज करते हैं ना,
तो हमें हमारा यूएसबी चार्जर भगवान से चार्जिंग लेते हुए, भगवान के प्रेम से कनेक्ट होते हुए, भगवान के अनलिमिटेड प्रेम के स्रोत से कनेक्ट होते हुए, ताकि हम एनर्जाइज्ड रहें और हमें अपने आप को भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दैट यू आर अनकंडीशनली लवेबल। हमें अपने आप को वो सेल्फिश फैमिली मेंबर की नजरों से नहीं देखना है। वो तो बोलेंगे नहीं, तुम ये करोगे तब प्रेम मिलेगा, वो करोगे तब प्रेम मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ मिलने नहीं वाला है। हमें उनकी नजर से नहीं देखना है कि प्रेम के लिए हमें कोई योग्यता बनानी पड़ेगी। हमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमसे अनलिमिटेड प्रेम करते हैं विदाउट एनी कंडीशंस, और वो ही हमारी योग्यता है। तो हमें भगवान के साथ तार जोड़ना है अपना, और ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना है कि कृष्णा लव्स मी अनकंडीशनली। तो ये कनेक्ट होना है, और आपको अपने आप के साथ होना है। तो भगवान के साथ कनेक्ट होना है और अपने आप के साथ कनेक्टेड होना है। अपने आप के साथ कनेक्ट होना का क्या अर्थ है? मैं प्रेम करने योग्य हूं, कृष्णा लव्स मी अनकंडीशनली, और मेरी कुछ वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, ये मेरी वैल्यू है। तो मैं अपने आप से प्रेम करना सीखूं, अपने आप की फीलिंग्स से, इमोशन से, एस्पिरेशन से कनेक्ट होके आगे बढ़ना सीखूं। तो ये हमें सीखना है। पॉइंट नंबर टू, सबसे पहले आपने कोर प्रिंसिपल आपने सीखा, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, कनेक्ट विथ गॉड। और भगवान जो इनको हक कर रहे हैं ना, गोप कुमार जी को, भगवान में से हम सबको हक कर रहे हैं। भगवान हमसे अनलिमिटेड प्रेम करते हैं, हमें कुछ बनना नहीं पड़ेगा प्रेम के लिए। तो वो चीज मन से बाहर निकाल देंगे। कोर प्रिंसिपल नंबर टू, नोट्स बनाते रहिए। हमें खुद के साथ पार्टनर होना है, खुद के साथ कनेक्ट होके खुद की पार्टनर बनना है हमें। जब हम खुद के पार्टनर बन जाते हैं ना, वी आर द बेस्ट पार्टनर। आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ गुजारते हैं? अपने आप के साथ। सबसे ज्यादा आप किसकी भावनाएं सुनते हैं? अपनी। सबसे ज्यादा आप किसके विचारों के साथ में परिचित रहते हैं? खुद के। तो उससे हम डिस्कनेक्ट क्यों होते हैं? हमें उन सब चीजों से कनेक्ट होना है। तो उसका मतलब क्या है? आपकी आवश्यकताएं क्या हैं? आपकी नीड्स क्या हैं? नीड फॉर लव है, नीड फॉर फ्रेंडशिप है, नीड फॉर अप्रिसिएशन है, नीड टू डू समथिंग वैल्यूएबल है, नीड फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सो मेनी थिंग्स। अपनी नीड्स का ध्यान रखना है, नीड फॉर गुड रिलेशनशिप्स, ये सब नीड्स का ध्यान रखना है। उनके साथ ही नहीं बनाना है, दूसरों के साथ बनाइए, वो नीड्स को पूरी कीजिए। और जो भी मन में फीलिंग्स आती है, इन्होंने पूरी इनवैलिडेट करके रखी हुई है। ये फीलिंग ही गलत है, तुमको गलत लगता है, तुमको ऐसा लगता है, और आप फिर बैठ के मन में सोचते हो क्या पता मैं गलत हूँ, क्योंकि वो आपका एक सिंसियर नेचर है। हमें अपनी फीलिंग्स को नेगेट नहीं करना है, हमें अपनी फीलिंग्स को समझना है और हील करना है। तो ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे, फीलिंग वर्ड्स के बहुत सारे चार्ट्स मिलते हैं। मैं एक ऐसे कटआउट बना के अपने वॉलेट में कई सालों तक रखती थी, कि कोई भी सिचुएशन में कुछ भी होता था, मैं वो फीलिंग कार्ड निकाल के देखती थी। हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, मैं वो देखती थी। तो मैं अपनी फीलिंग को समझती थी। और हमने स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल वाले शो में, और अपने इमोशंस का कैसे ध्यान रखे उस शोज में, हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा करी है कि अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट कीजिए। जब आप अपनी फीलिंग्स को नेम करते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी और जो टेंशन है वो रिलीज हो जाती है। अपनी फीलिंग्स को ध्यान दीजिए, बिकॉज फीलिंग्स आर पॉइंटिंग टू योर थिंकिंग। तो ये सब समझिए, वो शो देखकर कनेक्ट बैक टू हु यू वर बिफोर दिस रिलेशनशिप। और अगर उस अगर यू नो जिस घर में आप पैदा हुए वहीं पे है, तो कनेक्ट टू हु यू आर आउटसाइड ऑफ द हाउस, है ना। तो आइदर आप अपने आप से उस समय कनेक्ट कीजिए कि जब ये रिलेशनशिप नहीं था, उसके पहले आप कैसे थे, कितने खुश थे, कितने चंचल थे, कितने बबली थे, कैसे रहते थे, क्या आपकी इच्छाएं थी, क्या आपके एस्पिरेशन थे, आपका फ्रेंड सर्कल कौन था, वो सब चीजों से कनेक्ट कीजिए। और अगर आप उनके साथ में बचपन से रह रहे हैं, तो इस रिलेशन के बाहर आप कैसे हैं, उस पर्सनैलिटी से कनेक्टेड रहिए। फोकस ऑन योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। क्या होता है जब हमारे पास में कोई गोल और एस्पिरेशन क्लियर नहीं होता है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपके कोई गोल और एस्पिरेशन हो? क्यों? क्योंकि फिर आप इनकी सेवा में नहीं लगोगे, इनके इर्द गिर्द नहीं घूमोगे, इन्हें सप्लाई और अटेंशन कहाँ से मिलेगा? तो अपने गोल्स समझिए। बहुत बड़े गोल्स होने की भी जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है जीवन में आगे, मुझे आगे कैसे बढ़ना है,
मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से निकलना है, लेकिन क्या कर्म करते हुए निकलना है, मुझे क्या लोक संग्रह करना है, क्या लेगेसी छोड़नी है, क्या मुझे खुद के पर्सनल ड्रीम्स और एस्पिरेशंस पूरे करने हैं, उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। तो जितना आप उस चीजों के साथ कनेक्टेड रहते हो, तो आप क्या है, इन चीजों से डिस्टर्ब अपने आप को कम होने देते हो, क्योंकि आपको लगता है ये सब टाइम वेस्ट है, मेरे गोल के प्रति मुझे टाइम ज्यादा लगाना है, इन लोगों के प्रति इतना दिमाग नहीं लगाना है मुझे, है ना। तो थोड़े हम कम अफेक्ट होते हैं इन चीजों से। और कोई ऐसा गोल है, प्रोजेक्ट है, कार्य है, या जो भी है, ऐसे कोई बड़ा काम नहीं करना है हमें, कोई भी छोटी चीज जिससे हम प्रसन्न हो, जो आपके नेचर आपके स्वभाव से मिलता हो, उसमें कीजिए। तो क्या होता है, जब आपका स्वभाव और आपका काम एक सा होता है ना, तो आप खूब आगे बढ़ जाते हो। और जो आपको अंदर क्रोध फील हुआ है इन लोगों के प्रति, जो गुस्सा है इन लोगों के प्रति, क्या है, ये लोग आपको वो गुस्सा कभी एक्सप्रेस करने नहीं देते, कभी आपको वो फील करने नहीं देते, उसको इनवैलिडेट ही कर देते कि तुम्हारा गुस्सा ही गलत है, देखो मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो कितनी अच्छी हूँ, और आप पे हंसते हैं आपकी वो फीलिंग्स पे। तो जो अंदर से इनके प्रति जो क्रोध फील होता है, उसे भी एक्सपीरियंस कीजिए अंदर से। क्यों? क्योंकि क्रोध किस चीज का प्रतीक है, कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, कोई चीज में आपको अनकंफर्टेबल लगा, कोई चीज में यू आर टोटली वायलेटेड। मैंने जो एक एंगर मैनेजमेंट पे शो किया था, मैंने कहा एंगर इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि किस चीज में आप अनकंफर्टेबल हो गए हो खूब। तो वो क्रोध के साथ कनेक्ट कीजिए, किस चीज से आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो उसे समझिए, और उस चीज में अपना ध्यान दीजिए। और देखिए ये कितना ब्यूटीफुल प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा है, भागवत पे 2.1.1, आई लव द सोल, दिस इज द फैक्ट, दिस इज आत्मवित, आत्म तत्ववित, एंड वाई डू आई लव माई सोल एंड वाई डू आई लव एनी सोल, बिकॉज आई लव कृष्णा, एंड कृष्णा सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सो देयरफॉर आई लव द सोल ऑल्सो। इसलिए मेरे को अपने आप को खूब अच्छे से ऑनर करते हुए, खूब अच्छे से समझाते हुए, संभालते हुए आगे बढ़ना है, बिकॉज आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई एम कृष्णास पार्ट एंड पार्सल, मैं कृष्णा की धरोहर हूँ, कृष्णा का ट्रेजर हूँ, मुझे उसे ध्यान से रखते हुए आगे बढ़ना है, और मुझे भगवान के हाथ में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना है, इसलिए मुझे अपने आप का ध्यान अच्छे से रखना है ना, कोर प्रिंसिपल नंबर 3। लेकिन ये वाला आप तभी कर पाएंगे जब आपने खुद को, खुद से प्रेम, भगवान के साथ कनेक्ट होते हुए खुद से प्रेम रखा है, सेल्फ पार्टनरिंग किया है, ये जब आप अच्छे से करेंगे ना, तभी आप ये वाला कर पाएंगे, अपने आप को प्रिजर्व करके रखना। तो जो सहनशीलता है, विनम्रता है, क्षमाशीलता है, इमोशनली बैलेंस्ड रहना है, समदर्शी रहना है, वो सब क्वालिटीज हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उससे वो क्वालिटीज प्रैक्टिस करने के चक्कर में दूसरा हम पे मतलब पूरा अच्छे से चल फिर के चला जाए। नहीं, हमें अपने आप को, अपने सोल को, अपने एस्पिरेशन को, जो मेरे जीवन में उद्देश्य है, उस सब चीज को प्रिजर्व करते हुए, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, आप अपने आप को प्रिजर्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो हम टॉलरेंट भी रहेंगे, ह्यूमिलिटी भी रखेंगे, क्षमाशीलता भी रखेंगे, लेकिन अपने आप को प्रिजर्व भी करेंगे। और ऐसे ही पांडवों ने जीवन जिया है, वहां पे उन्होंने थोड़ी अलाव कर दिया कि भाई अब तुम हमें रौंद दो, खत्म ही कर दो, दे स्टूड अप एंड दे फॉट। मैं नहीं कह रही हूँ हमें लड़ाई करनी है, वो क्षत्रिय थे इसलिए वो लड़ रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल क्या है, उन्होंने ये क्वालिटीज प्रैक्टिस करी, लेकिन अपने आप को भी अच्छे से स्ट्रांग और जोड़कर रखा। बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है, और बाउंड्री सीमा रिश्तों में उनके साथ में आप तभी सेट कर पाएंगे जब आपको अपने प्रति प्रेम होगा, और आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस पे फोकस्ड रहोगे, अपने नीड्स एंड फीलिंग्स पे फोकस्ड रहोगे। और बाउंड्री सेट करने का मतलब नहीं है कि उनको एक बार बैठ के समझाओ कि अब आपको मेरे साथ ऐसे ऐसे फॉलो करना है, बाउंड्री आप अपने बिहेवियर से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाउंड्री सेट अगर आपको करनी है, तो आपको पहले तो ये बिलीव कर देना, छोड़ देना है वो जो आपके बारे में चीजें कहते हैं, वो आपको, वो सब चीजें सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश में रहते हैं, ताकि आप वो सब चीजें बिलीव करें, और जितना आप वो बिलीव करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, और उतना आप उनके कंट्रोल में रहेंगे। तो इसलिए यू हैव टू स्टॉप बिलीविंग व्हाट दे से अबाउट यू, क्योंकि वो अपने फायदे के हिसाब से बोल रहे हैं। आप दूसरे लोग ढूंढिए, अगर आपको कोई मिरर चाहिए ना, आईना दिखाने वाले लोग, कोई ट्रस्टवर्दी लोग ढूंढिए जो आपको आईना दिखाए,
है ना, हमको उनका वाला आईना नहीं देखना है, वो जो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आईने में सिर्फ उनका गंदा चेहरा रहता है और वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए वो सब चीजें बोल रहे होते हैं। एक तो ये बिलीव कर देना बंद है, दूसरा अगर वो आप में कोई बुराई निकालते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना और डिफेंड करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो कभी मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि उनको वो सूट नहीं करता है। अगर वो मान लेंगे तो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन। तो ऐसी जगह पे क्यों एनर्जी डालना? आप ऐसा स्टॉक मार्केट में ऐसा शेयर खरीदेंगे क्या जो आपको पता है दूसरे दिन जीरो पे जाने वाला है? आप 1 लाख रुपए का शेयर है, आप उसको डाल खरीदेंगे कि पता है दूसरे दिन जीरो पे जाने वाला है? पैसे तो आप ऐसी जगहों पर डालोगे नहीं, तो आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है अपने आप को एक्सप्लेन करने में और डिफेंड करने में। फिर अगर आपने ये सब किया, उसके बाद में वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या बहुत गुस्सा हो जाएंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब नजरअंदाज करेंगे, दिखाएंगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, देखो मैं बड़ा हूं लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। गुस्सा रह के रहेंगे, या फिर वो खूब गुस्से में रहेंगे, आपको उसमें भी शांत रहना है। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आप कुछ रिएक्शन दे, क्योंकि आपके रिएक्शन से उन्हें ऊर्जा मिलती है। एनर्जी वैम्पायर है ना वो, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। ऐसे करके धीरे धीरे आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, लेकिन ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब आत्म प्रेम आप में कूट कूट के आ गया है और भगवान के साथ कनेक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो वो सब डेवलप कीजिए। ये समझना है कि ये हाँ मेरी जो ड्यूटीज है वो मुझे करनी है, मुझे जो एक ह्यूमन बींग को रिस्पेक्ट देना है वो देना है, मुझे कोई झाई नहीं मारनी है, कुछ करना नहीं है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दूं, क्योंकि दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। देखिए कोई प्रेम से बिहेव करे, आपको संभालते हुए आपके इंटरेस्ट में भी रहकर आपके साथ में कोई अच्छे से बिहेव करे, तो उसमें हम बिना सोचे हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं उस प्रेम में, है ना। लेकिन जो ऐसे हैं उनके प्रति हमें ड्यूटी रखनी है, लेकिन ऐसे करके आपको बाउंड्री बनानी है। एंड ऑलवेज नो यू आर वेरी ऑनरेबल, फुल्ली लवेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू कृष्णा। और ऐसे अपने आप का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और ये कोर प्रिंसिपल नंबर 4, विक्टिम जैसे अगर हम फील करेंगे ना, हाय मेरे साथ ऐसे बुरा हुआ, मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है, हाय मेरा पति करता है, मेरी वाइफ करती है, मेरा ये मेरा बच्चा, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ओ नो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरी लाइफ कितनी टूट फूट गई है, ओ हो मेरे जीवन में पीड़ा ही पीड़ा है, ये है वो है, तो उससे क्या है, आपका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप वहीं अटके रह जाते हो। पीड़ा के साथ कनेक्ट होना है और उसे हील करना है, लेकिन विक्टम जैसे नहीं बन जाना है। विक्टम जैसे बनते हैं हम उसे हील नहीं करते हैं। हाँ मुझे जो पीड़ा हुई मुझे वो समझना है, मुझे अपना ध्यान रखना है, उस पीड़ा को हील करना है, उस ट्रॉमा को हील करना है, लेकिन विक्टम अगर आप बने रहेंगे आप कभी हील नहीं होंगे। विक्टम बन के रहने में कि मैं प्रताड़ित हूं ये सोच के रहने में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो है दया, सिंपथी। लेकिन वो सिंपथी आपको आगे नहीं बढ़ाती है कहीं पे, आपको हीलिंग नहीं होती है उससे, आप अपने उद्देश्य में आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपका माइंडसेट आप चेंज नहीं कर पाते हो, और आप उस सिचुएशन से अपने आप को कवच बना के नहीं रह पाते हो अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो। तो ये जो विक्टिम कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड है ना जिससे हमें सिंपैथी मिल रही होती है, वो एक्सपायर्ड कर दीजिए, है ना। और विक्टिमहुड में जब हम रहते हैं ना कि मेरे साथ हाय बहुत बुरा हुआ, तो हम कुछ सीखते नहीं और हम वही सिचुएशन में रह जाते हैं। ये जो कोर प्रिंसिपल 1, 2, 3 मैंने बताया है, फिर हम वो सब कुछ फॉलो नहीं करेंगे और हम वही 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 चीजों में रह जाएंगे। और इससे क्या, ये पिटी में रहने से हमेशा की लंबी मिजरी चालू रह जाती है। तो इसलिए विक्टिमहुड में नहीं रहना, अपने आप को हील कीजिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए, कोर प्रिंसिपल 1, 2 एंड 3 फॉलो कीजिए और ये 4 कीजिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ी सी टैक्टिक्स, लेकिन टैक्टिक्स देखने के पहले थोड़ा हम आपका ये देखना चाहेंगे कि आपको क्या, आपके कमेंट्स आ रहे हैं क्या, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। यस विनीत जी कह रहे हैं क्रक्स इज सेल्फ कॉन्शियस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस आकांक्षा जी कह रही है, ओके ये थोड़ा लंबा कमेंट है, आई विल रीड इट अ लिटिल लेटर। कॉन्फिडेंस, रंजना जी कह रही है कॉन्फिडेंस बिग करो, और हाउ डज कर्मा ऑपरेट इन देम। कृष्णा जी कह रही है विक्टिम मेंटालिटी से आप कह रहे सिंपैथी ही मिलेगी, लेकिन अगर सिंपैथी नहीं मिली तो मैं डिप्रेशन में जा सकते हैं, नहीं। तो यही है ना, आपने सेल्फ पार्टनरिंग होना है,
विक्टिम मेंटालिटी में आपको सिंपैथी मिलेगी, वो सिंपैथी से आपको इमिडिएटली अच्छा लगेगा, फिर उसकी हमें आदत पड़ जाती है। तो विक्टिम कार्ड छोड़ना, विक्टिम मेंटालिटी छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हमें हीलिंग नहीं चाहिए, हमें कंफर्टिंग वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंड्स नहीं चाहिए। लेकिन कई लोग सिर्फ उसमें ही रह जाते हैं और बार बार सिर्फ बुराई करते रहते हैं ताकि उन्हें वो कंफर्टिंग फ्रेंड्स नहीं मिले। मेच्योरिटी इज यस, आप अपने फ्रेंड्स के कंफर्टिंग वर्ड्स लीजिए जो कि जरूरत है, लेकिन आप अपने आप को भी कंफर्ट करना सीखेंगे। दैट इज मेच्योरिटी एंड दैट इज ग्रोथ। नहीं तो वो कंफर्टिंग वर्ड्स के लिए आप सारे टाइम बुराई करते रह जाएंगे और आप वही सिचुएशन में रह जाएंगे। देयर इज लाइफ बियॉन्ड दोस कंफर्टिंग वर्ड्स जिसको आपको टैप इन करना है। गोमती कह रही, हाँ मैं जब भगवान के बारे में सोचती हूँ तो बहुत मिरेकल्स होने लगते हैं। निराली जी कह रही हैं कि गॉड के साथ रखते हुए अपना ध्यान रखे सकते हैं, वेरी गुड। और ममता जी कह रही हैं ट्राई दिस, इट रियली वर्क्स। एंड सुहासनी जी कह रही है बेस्ट इज टू कनेक्ट विद कृष्णा एंड सेल्फ पार्टनर। एंड शिवानी जी कह रहे 25 साल के बाद अब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गई, वेरी गुड, आपके लिए तालियां। एंड सो मेनी मोर थिंग्स हियर, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं। मृदुला जी कह रही है बिना गोल के बिना हम सेल्फ लव नहीं करते और दूसरी बातों पर ध्यान जाता है। यस, और कई लोग मेरे सक्सेस में रुकावट डालते हैं। उत्कर्ष रश्मि कह रही हैं स्टडी करते हैं तो हर तरह से टेंशन देते हैं, क्या करें। तो वही ना, ये सब हम पॉइंट्स अभी शेयर कर रहे हैं, वो सब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पॉइंट्स लिखिए और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और भी आप टैक्टिक सीखेंगे। और कोई कह रहा है रिस्पेक्ट मांगना बंद करो, एंड सो मेनी वंडरफुल पॉइंट्स, कितना सारा विजडम है, कितना सारा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो अब हम थोड़ी सी टैक्टिक्स देखते हैं, है ना। थोड़ी टैक्टिक्स क्या है, क्या हम टैक्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उनके साथ में रह सकते हैं, अब हम थोड़ी वो टैक्टिक्स देखते हैं। एंड वी विल स्विच द स्क्रीन, प्लीज स्विच द स्क्रीन टू द स्लाइड्स। ओके, हियर इज टेक्निकल टीम। ओके, यस, हियर वी गो। तो यहाँ पर हमारी स्लाइड्स आ गई हैं और काफी सारा विजडम आ रहा है यहाँ पे। तो एक तो विक्टिम कार्ड एक्सपायर करना है हमें, क्योंकि सिंपथी, जैसे मैंने कहा, विक्टिम बन के सिंपथी नहीं लेनी है, सेल्फ पार्टनर होके जो भी काइंड वर्ड्स मिल रहे हैं वो लेने हैं। लेकिन फाइनली कंपैशन इज व्हेन यू कैन लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो वो हमें वहां पर जाना है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या टैक्टिक्स अपनाई जाए इन लोग के साथ में, वो थोड़ा समझते हैं। ये पहले के भी मैंने शो में ईबिस करके कोड दिया था, उसमें से थोड़े पॉइंट्स यहाँ पर हैं, बाकी पॉइंट्स आर थ्रू आउट द शो। और ईगो, उनके ईगो को हमें स्ट्रोक नहीं करना है। जो हम आउट ऑफ फियर उनको प्रेज करते रहते हैं कि अगर प्रेज नहीं किया तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे हम पे, तो उसके कारण हम उन्हें प्रेज करते रहते हैं और थक जाते हैं, हम उनके पर्सनालिटी को बढ़ावा दे रहे। तो हमें बुराई तो बिल्कुल करनी नहीं है उनकी, बिकॉज देन इट कैन कॉज अदर प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें ज्यादा ईगो स्ट्रोक करने की जरूरत नहीं है उनकी। दे ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू ग्रो एंड लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, राइट। उनके लिए बोरिंग बन जाओ, ज्यादा रिएक्शन ही मत दो। जिन चीजों पे आप रिएक्शन देते हो, जो जो बटन हो आपके दबाते हैं जिसमें आप नाचने लगते हो, रिएक्शन देते हो, वो सब चीजों में रिएक्शन नहीं देना है। वो हमने पहले वाले इस साइड में भी देखा है। स्टॉप बिलीविंग व्हाट दे से अबाउट यू, देन यू बिकम बोरिंग टू देम। स्टॉप एक्सप्लेनिंग एंड डिफेंडिंग योर सेल्फ, देन यू बिकम बोरिंग टू देम, है ना। ये एक बहुत अच्छा क्लासिक स्टेटमेंट है, ऑब्जर्व बट डोंट अब्सॉर्ब। ऑब्जर्व करो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपदृष्टा बन के, लेकिन उनकी बातों को अब्सॉर्ब मत करो, क्योंकि उनकी बातें बहुत बहुत एक इनसिक्योर प्लेस से, बहुत सेल्फिश प्लेस से आ रही हैं। तो हमें वो बातों को अब्सॉर्ब नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, हमें सिर्फ देखना है वो कैसे कैसे करते हैं। वो जो जो बोलते हैं उसे सच समझ के अपने आप में घुसा लो और अपने माइंड में घुसा लो, वो सब हमें नहीं करना है। अपने जो प्लान्स हैं, जो आपके एस्पिरेशन वाले प्लान हैं, जो चीजें आप करना चाहते हो, बहुत ज्यादा उनको रिवील मत कीजिए, क्योंकि वो फिर उस पे पानी डाल देते हैं या वो कोई रुकावट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अरे ये तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम पे हावी, फिर हम कैसे, हमारा हमारा कौन, मेरा सप्लाई कहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं, आप कुछ शेयर मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे अपने सारे प्लान्स ऐसे एक साथ रिवील करने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आपको रिवील करने की आदत है, क्योंकि आप एक ओपन पर्सनालिटी हो, तो देन बी फियरलेस कि कोई मेरे प्लान में रुकावट नहीं डाल सकते, वो कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़िए। डोंट बिलीव देम, ये हम बात कर चुके हैं।
डोंट टेक देयर बिहेवियर पर्सनली। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैं इनके सिम्टम शेयर कर रही हूँ, इनके बिहेवियर को शेयर कर रही हूँ, और आपको कैसा लगता है उसमें कितने लोग हामी भर रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं, वो वैसे ही करते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मतलब ये एक डिजीज है, ये एक मेंटल कंडीशन है, या ये प्योर सेल्फिशनेस है। तो उनका बिहेवियर वो पर्सनली नहीं लेना है, वो उनके बिहेवियर की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है आपके कारण वो वैसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के साथ तो आपको लगता है अच्छे से कर रहे हैं, वो आपके लिए इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू आर अ सॉफ्ट टारगेट। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी डाउन है, आपके पास टैक्टिक्स की थोड़ी कमी है। तो उनका बिहेवियर पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि वो बिहेवियर जैसे बिहेव कर रहे दैट इज देयर प्रॉब्लम, डज नथिंग टू डू विथ यू। आपने नहीं कॉज किया उनको वैसे बिहेव करना। डोंट एंगेज विद देम व्हेन दे आर एंग्री। जब वो गुस्सा होते हैं वो एंगेजमेंट नहीं करना है उनके साथ में, और जब वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ये सब चीजें कर रहे होते हैं, अजीब अजीब हरकत कर रहे होते हैं, बिकम बोरिंग, डोंट एंगेज। बी रिस्पेक्टफुल। सी वी रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, वी रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर आर रिलेशनशिप्स, है ना। लेकिन हमें एंगेज ज्यादा नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है, अपना ध्यान रखते हुए कवच बनाते हुए, क्योंकि वो सब आर्ग्यूमेंट में टाइम वेस्ट होता है। आप वो चीजों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, उसमें इतने बिजी हो जाइए कि आपको ये सब चीजें टाइम वेस्ट लगे। और अपनी ऑरा को रोज क्लीन कीजिए, क्योंकि वो सारी नेगेटिव चीजें इतनी कनेक्ट होती हैं आपकी ऊर्जा के साथ, आपके प्राणमय कोश के साथ में, फिर वो कहीं ना कहीं आपको वो उनके जो थॉट्स हैं वो एनर्जी के जैसे अटकते हैं, आपको अंदर ही अंदर खराब करते हैं। तो 2 बार स्नान करने से भी ऑरा क्लीन होती है, नमक के नहाने से, आप नहा लिए उसके बाद थोड़ा नमक रगड़ के 2 मिनट रख के बाद में पानी डालने से भी आपकी रोज ऑरा क्लीन होती है, प्राणायाम से भी ऑरा क्लीन होती है, सूरज में बैठने से भी ऑरा क्लीन होती है, और विजुअलाइजेशन से भी, कि ये सारे जो चीजें आपके अटकी हुई हैं वो सब निकल रही हैं, ऐसे भी ऑरा क्लीन होती है। तो हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, और उनके बारे में सोचिए मत, क्योंकि जितना आप सोचते हैं ना उनके बारे में, उतने एनर्जेटिक कनेक्शन उनके साथ में आप और बना रहे होते हो, और जितने एनर्जेटिक कनेक्शन आपके और उनके बीच में रहते हैं ना, उतनी आपकी एनर्जी और उनके वो और कंज्यूम करते रहते हैं आपकी। सो यू फील सैप्ड एंड कट योर कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स बन जाते हैं ना ये एनर्जेटिक इतना सोच सोच के, उनको रोज कट करना सीखे। तो आज हम थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन में वो भी करेंगे। अब लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें, तो ये टैक्टिक्स एक बार देख लेते हैं पहले, उनके ईगो को स्ट्रोक नहीं करना है, बोरिंग बन जाना उनके लिए, ज्यादा रिएक्शन नहीं देने जैसे हम पहले देते थे। ऑब्जर्व करो वो क्या कर रहे हैं, समझो, ताकि आप अपने आप का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हो, बट उनकी बातों को अब्सॉर्ब नहीं करना है ना। अपने ज्यादा सारे प्लान्स उनके साथ में रिस्पेक्टफुली जो भी करने होते हैं करिए रिलेशन के हिसाब से, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी एक्साइटमेंट वगैरह दिखा के जो हम शेयर करते हैं वो क्या है, दिल पिन प्रिक योर बलून, योर हैप्पीनेस थिंग, तो वो उसमें ज्यादा नहीं जाना अपने, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें बनाए रखना है, उनकी बातों पे बिलीव नहीं करना है जो आपके बारे में जो कहते हैं, और ये सारी जो पॉइंट्स है। तो अब ये आपने टैक्टिक्स कर ली, लेकिन क्योंकि आप हैं और आप इसलिए फंसे हैं क्योंकि आपका बहुत दयालु नेचर है, इसलिए आप फंसे हैं इसमें, आपके मन में आएगा कि नहीं शायद मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मैं उन्हें ठीक कर दूं या उन्हें हील कर दूं, अरे उनको पीड़ा होगी कोई जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, दयालु हो जाऊं, लेट मी बी मोर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए आप उनके साथ में है। तो क्या आपको उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? देखिए जगह जिस नौका में आप बैठे हैं उसमें छेद ही छेद है, आप उसका पानी निकालने की कोशिश करेंगे पहले नौका में से ताकि नौका नहीं डूबे, या आप छेदों को बंद करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा पानी निकाल के फटाफट आप छेदों को भरने की कोशिश करेंगे, है ना। नहीं तो नौका में आप पानी निकालते ही बिजी रह जाओगे, पानी ही निकालते रहोगे, पानी ही निकालते रहोगे, आप थक जाओगे, आप खुद क्रैश हो जाओगे। तो इसलिए पहले अपनी नौका को स्ट्रांग बनाइए। 4 principles, 1, 2, 3, 4, आई एम फुल्ली लवेबल बाय कृष्णा, सेल्फ पार्टनरिंग, सेटिंग बाउंड्रीज, एंड द लास्ट वन वॉज क्या था, विक्टिम नहीं बन के रहना है हमें, है ना। ये कोर प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए, अपने छेद भरिए अपने नौका के, और जैसे हम प्लेन में देखते हैं पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाइए बाद में दूसरों को लगे, तो पहले जो आप अंदर से पूरे बिखर गए हैं या जो भी हो गया है आपको, उसको हील कीजिए, स्ट्रांग कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। और जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं इन योर कॉन्फिडेंस, इन योर अचीवमेंट्स, इन योर हीलिंग, उसके बाद में ट्राई टू हेल्प देम,
दैट ऑल्सो अगर उनको हेल्प मांगते हैं तो उनको लगता ही नहीं हो समथिंग इज रॉन्ग विद देम। तो जिसको अगर लगता ही नहीं है समथिंग इज रॉन्ग विद देम, उन्हें कितना भी आप समझा लो वो नहीं समझने वाले हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए और खुश रहिए। अगर वो फिर मांगेंगे तब उनको हेल्प कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए प्रार्थना में बहुत क्षमता है। तो अगर आपका मन करता रहे मैं कुछ कर नहीं रही इनके लिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए ना उनके लिए कि उनके लिए अच्छा हो, वो अच्छे हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। जो भी है, जो भी मन से अच्छी प्रार्थना निकलती है वो कीजिए। तो उससे क्या आपकी एनर्जी जो गुस्से वाली है थोड़ी कम भी हो जाती है। और नेक्स्ट आपको ये भी देखना है कि ये सब हमने टैक्टिक सीख ली, हमने कोर प्रिंसिपल सीख लिए, बाउंड्रीज बनाना सीख ली, सेल्फ पार्टनरिंग, सेल्फ लव, ये सब हमने सीख लिया और ये सब हमें करना है, लेकिन थोड़ा हायर प्रिंसिपल से भी कनेक्ट होना है कि इस ये सिचुएशन में मैं क्यों हूं, इस सिचुएशन से मुझे क्या सीख मिल रही है, मुझे क्या सीखना है जिसके कारण मैं ये सिचुएशन में कंटिन्यूअसली हूं। तो जब हम वो लेसन सीख जाते हैं, हमें समझ आ जाता है हमारा लेसन क्या है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स द लेसन इज टू कनेक्ट विद गॉड, कनेक्ट विद योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। इनसे ध्यान नहीं रखते हुए भगवान के प्रेम से कनेक्ट होते हुए आगे बढ़िए, खुद में सॉलिड हो जाइए। कई बार हम खुद में सॉलिड नहीं होते इसलिए हम इन लोगों के साथ फंस जाते हैं ना। तो कई बार लेसन यही होता है कि खुद में सॉलिड होना है, भगवान के साथ सॉलिड कनेक्शन बनाना है और आगे बढ़ना है और लोक संग्रह करना है ना। तो ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे क्या सीखना है। सेकेंड पॉइंट इज कार्मिक भी है। जब हमें जो पीड़ा महसूस होती है उस समय जब वो हमारे साथ में बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं, जो एक अकेलापन फील होता है, लो एनर्जी फील होती है, अंदर से एक पेट में कुछ हॉल सा उठता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी सी लगती है, कॉन्स्टेंट अलर्टनेस रहती है, वो सब रहती है, तो शायद हमने ये पीड़ा जो इतनी डिफिकल्ट है हमने पिछले जन्म में किसी को दी होगी। तो जब हम वो पीड़ा से कनेक्ट करते हैं और ये कार्मिक आ रहा है, तब हम उन सब आत्माओं से जिनको हमने जाने अनजाने में पीड़ित किया होगा, ऐसे ही बिहेवियर से या ऐसी ही टाइप की पीड़ा से वो गुजरे होंगे हमारे कारण, हमारे जाने या अनजाने में, हम उनसे सबसे क्षमा मांगे। और ये एक पूरा शो कर चुके हैं, तो ये कर्मा के ऊपर ये जो स्लाइड है इस पे मैं 4 शो कर चुकी हूँ, उनको आप अच्छे से सुन सकते हैं। क्लियर योर रिलेशनशिप कर्मा, हाउ टू रिलीज योर कार्मिक डेट्स, कर्मा इन रिलेशनशिप्स और डिजोल्व योर कर्मा थ्रू फॉरगिवनेस। तो ये सब शोज हैं, प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। और तो ये जो सीकिंग फॉरगिवनेस, वो जो सारे सोल्स को हमने परेशान किया है, होप पोनो पोनो कहते हैं हवाइन टेक्निक, इस पे पूरा शो है, डिसॉल्व योर कर्मा थ्रू फॉरगिवनेस, कर्मा घटाने का नंबर वन तरीका, दैट वाज द नेम ऑफ द शो। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मंत्र के जैसे एटलीस्ट दिन में आपकी पूजा के बाद आप 3 बार बोलिए। उन सब आत्माओं का ध्यान करते हुए जो याद भी नहीं है हमें, जिनको हमने सिमिलर पीड़ा पहुंचाई, तो इससे भी क्या है हमारी अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और जो करंट सिचुएशन में है ना उसकी एनर्जी थोड़ी डिजोल्व होती है। और जब हम लेसन भी सीखते हैं और ये कोर प्रिंसिपल्स 4 फॉलो करते हैं, तो मे बी द लेसन इज टू नॉट रिमेन इन विक्टिम कॉन्शियसनेस सारे टाइम। मे बी द लेसन इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, टू कनेक्ट विद गॉड, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। तो जैसे हम लेसन सीखते हैं ना, तो ये सिचुएशन भी छटती जाती है। ऐसा नहीं कि ये लोग सुधर जाएंगे, मे बी वो आपको हमेशा टारगेट बनाना बंद कर देंगे या वो टारगेट बनाने की आप पे प्लानिंग करते होंगे लेकिन वो सब चीजें उनकी सफल नहीं होंगी। तो ऐसे करके आप बच जाते हो धीरे धीरे। तो बट उसके लिए लेसन सीखना अपना और उन सब आत्माओं से क्षमा मांगना जिनको हमने ऐसी ही पीड़ा पहुंचाई होगी अनजाने में, कौन से जन्म में पता नहीं, उनसे रोज क्षमा मांगना। तो ये एक हायर स्पिरिचुअल लेवल वाला पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने काफी टैक्टिक्स शेयर करी हैं, थोड़ा हम स्पिरिचुअल शो है ना, हमें थोड़ा स्पिरिचुअली भी एलिवेट होना है, तो ये शेयर करना। और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना अपने एक्शंस की, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और आगे क्या करना है, जो मैं कह रही हूँ ना अपना गोल बनाइए, आगे बढ़िए वगैरह, राइट। इन रिश्तों में जब हम रहते हैं ना, तब हमें बहुत भयंकर क्वालिटीज बनने आ जाती है। वी बिकम लाइक अ निंजा, मतलब इतनी रेजिलियंस, इतनी इनर इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी डेवलप हो जाती है इनके साथ में रह के।
हमें इमोशंस की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि हम अपने इमोशंस इतने अच्छे से समझते हैं और दूसरों को भी देखते हैं कि दूसरे कैसे पीड़ा में जा रहे हैं इनके साथ में, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर बहुत अच्छी हो जाती है। तो कई बार जो ऐसे होते हैं और जब वो अपने आप को ऐसी चीजों से उभारते हैं, निकलते हैं, तब देन दे ट्राई टू बिकम अ कोच, दे ट्राई टू बिकम अ टीचर, दे ट्राई टू बिकम अ थेरेपिस्ट और अ हीलर। और आपको ये प्रोफेशंस नहीं करने हैं, बट आपको जब इसकी इतनी समझ में आ जाती है तो आपको लगता है मैं दूसरों को कैसे हेल्प करूं जो सेम इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, या आपके मन में क्या एस्पिरेशन है, ये तो बस मैंने एक सजेशन बताया है, लेकिन आपके मन में क्या एस्पिरेशन है, आप अपने आप के लिए क्या करना चाहते हैं, आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं। जब हम अपने आप से ज्यादा बाहर की सोचते हैं ना, अपने अपनी प्रॉब्लम से कोई बड़ी प्रॉब्लम बाहर की सॉल्व करने लगते हैं ना, तो हमारा ध्यान उसके प्रति रहता है, तो हमें अपना तो बहुत बिल्कुल एक जैसे कोई मच्छर काट के चला गया, वो उतना इरिटेशन होता है ना, फिर वो वैसा लगने लगता है। तो आपकी स्ट्रगल की कोई मीनिंग है और उसकी कोई वैल्यू है, और आपने कुछ बहुत भयंकर क्वालिटीज डेवलप कर ली है अपने आप में, इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और ये वो क्वालिटीज आपको दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो अपना क्षेत्र चुनिए, आगे बढ़िए और सोचिए कि मुझे क्या लेगेसी लीव करनी है इस दुनिया में, मुझे क्या छोड़कर जाना है। हाँ, मुझे कमाना है, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपनी फाइनेंशियल चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन उससे आगे और क्या करना है मुझे, ये सोचते हुए आगे बढ़िए एंड सोर लाइक एन ईगल। ये आजकल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत इसका फॉरवर्ड चल रहा है, मैंने सोचा मैं भी एक शेयर कर देती हूँ। तो जब हम इन चीजों से उठते हैं और एक चील के जैसे इतना आगे, इतनी ऊंचाई पे हम उड़ते हैं, तो कहते हैं ना जो कौवा है वो इरिटेट करते रहता है चील को, चील उस पे ध्यान नहीं देती। चील क्या करती है, चील अपनी उड़ान की जो हाइट है ना उसको बस बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, और जैसे जैसे वो उड़ान की हाइट को बढ़ाती रहती है, कौवा क्या है वो उतना ऊंचा नहीं उड़ सकता है, तो कौवा फिर थोड़ी देर के बाद गिव अप मार देता है। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोर प्रिंसिपल्स 1, 2, 3 और 4 फॉलो कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ पार्टनरिंग, सेटिंग बाउंड्रीज एंड नो विक्टिम कॉन्शियसनेस, और टैक्टिक्स फॉलो कीजिए, और अपने काम में, अपने गोल्स में, अपने जीवन में, अपनी सोच में इतना ऊंचा उठिए कि वो आपके साथ में कैचअप नहीं कर पाए और वो सोचे कि अरे ये तो हाथ से गई, ये तो मुझे बिलीव ही नहीं करती, ये तो बहुत बोरिंग हो गई है, इसको तो मैं समझ में आ गया हूँ पूरा, और इसकी ऊंचाई पे जाके तो मैं इसको अब कुछ ट्रबल भी नहीं कर सकता, ये तो कोई बात ही नहीं बिलीव कर रही मेरी, कोई भी मेरे झांसे में पहुंच ही नहीं रही है। तो सोर लाइक एन ईगल एंड बी फ्री, पूरा भ्रमण कीजिए, पूरा अच्छे से सारी पॉसिबिलिटीज अपनी लाइफ में अकम्प्लिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, अब हम आपके सब प्रश्न देखेंगे, आपकी सब बातें देखेंगे, बातें सुनेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। एक एक छोटा सा ब्रेक है ना, 20 सेकेंड ब्रेक, और फिर आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल टीम के थ्रू। टीवी द्वारा गीता के प्रचार में एक और पहल, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण मानव जाति को अद्भुत संदेश श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप, विश्व प्रसिद्ध सबसे प्रामाणिक संपूर्ण 18 अध्याय और 700 श्लोक। अब घर बैठे पाइए गीता किसी भी भाषा में। इसे आपके घर तक पहुंचाने के लिए कोई डाक, पार्सल या कुरियर चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो देख किस बात की, इस सनातन वाणी द्वारा भगवान से जुड़ने का अवसर हाथ से न जाने दें। वो ऑर्डर करने के लिए संपर्क करें 7506-977-977 पर। यस, तो अभी आपके हमारा फेवरेट पार्ट ऑफ द शो, आपके सब क्वेश्चंस और डिस्कशन। सो थैंक यू, एंड वी विल वेट फॉर द टेक्निकल टीम टू शेयर ऑल द क्वेश्चंस। उत्कर्ष जी, ओके, वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। आकांक्षा जी, किसी के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो,
सामने वाले के मन में सिर्फ नफरत हो, वो हमेशा ही हर्ट करे, तो इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए? कार्मिक अकाउंट हो शायद हमारा। देखिए, रिश्ते की सबसे पहले नींव है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर आपके रिश्ते में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है और म्यूचुअल एम्पैथी नहीं है, कंसर्न फॉर फीलिंग्स नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट रिश्ता होने वाला है। तो अगर वो रिश्ता खराब हो गया हो और कार्मिक अकाउंट वगैरह है, तो आप लेसन वगैरह सीखिए। बट समटाइम्स हम लेसन भी सीख जाते हैं और हम अपने जिन जिन को हमने पीड़ा पहुंचाई है पास्ट में, उनसे भी हम फॉरगिवनेस मांगते हैं। हम अपने बिहेवियर को भी चेंज करते हैं, क्या जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ होगा उस रिश्ते को खराब होने में, वो भी कर लेते हैं। लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान चेंज होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आप सब चीजें प्रैक्टिस कीजिए। एंड सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी इन अ सर्टेन टाइम एंड वी शुड बी ओके। तो ये तो इसलिए मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मुझे फॉल्स होप नहीं देनी है आपको कि आप ये सब चीजें करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बिकॉज आपने अपना काम किया, दूसरे को तो भी करना है ना, उनको भी तो अपनी मेच्योरिटी इंक्रीज करनी है। आपने सारे लेसन सीखे, आपने अपनी मेच्योरिटी इंक्रीज करी, दे ऑल्सो हैव टू कैच अप एंड कम हियर। तो आप यहाँ से यहाँ चलकर आ सकते हैं, लेकिन अगले को तो भी चल के आना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपना अच्छे से जो भी आपको करना है, लेसन सीखना है, वो सब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, वॉट टू डू वेन पेरेंट्स आर सेल्फिश? इट्स अ डबल मर्डर। इट इज पेनफुल एंड डिप्रेसिव टू लिव विद देम। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक एंड मीट देम वंस आई विल स्टार्ट स्टेइंग अवे विद और विदाउट मैरिज। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि पेरेंट्स हैव प्रोबेबली बीन वाउंडेड इन देयर प्रीवियस लाइफ्स एंड नॉट प्रीवियस लाइफ, इवन व्हेन दे वर यंग एक्सेट्रा। तो उन्हें जैसे ट्रीट किया गया, उन्हें वैसे ही ट्रीट करना आता है। तो कई बार ऐसे होता है, तो क्योंकि आप उनके साथ में रहते हो एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन देम फाइनेंशियली, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट समटाइम्स दे मे नॉट बी सेल्फिश। हमें भी कई बार उनको समझने में गलती हो सकती है। तो इसलिए कोई अपराध नहीं करें उनके प्रति, कोई अपशब्द ना कहें। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ घर में ही कुछ गलत हो रहा है और हमारी फीलिंग्स नहीं समझी जा रही है वगैरह। तो उस समय आप अपने आप की, जो मैंने सेल्फ पार्टनरिंग का, अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने आप को सिंपैथी देना, अपने आप को संभालना, फीलिंग वर्ड्स के चार्ट के साथ में रहना, अपनी फीलिंग्स को डिफ्यूज करना, समझना, अपना ध्यान देना अपने नीड्स और एस्पिरेशंस का, वो सब करते रहिए। और एक पॉइंट है कि कोई भी रिश्ते में, स्पेशली विथ आर पेरेंट्स एंड अस, देर इज जीरो एंटाइटलमेंट। इसका अर्थ ये है, ये डिफिकल्ट पॉइंट है, लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं ना, तब हम क्या ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, हम उसमें ही बहुत बहुत उनके लिए थैंकफुल हैं। वी डोंट डिजर्व दैट दे मस्ट लव अस, दे मस्ट टेक केयर ऑफ अस, दैट दे मस्ट नॉट बी सेल्फिश, दैट उन्हें हमारा ध्यान देना चाहिए, हमारी इच्छाओं का ये वो, और उनको परफेक्शन में रहना चाहिए। ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है। हाँ, अगर वो रहते हैं तो अच्छा होता है हमारा लालन पोषण, लेकिन ऐसी कोई हमारी एंटाइटलमेंट नहीं है कि दैट दे मस्ट बी लाइक दैट। तो जब हम वो ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं ना कि अरे, इन्होंने मुझे, इनका कोई ये फर्ज नहीं है, हाँ ऐसे फर्ज है, लेकिन मुझे, आई डोंट डिजर्व, जो उन्होंने मुझे बचपन में कैसी कैसी सिचुएशंस में कैसे कैसे मेरा ध्यान दिया होगा, मैं रात को कैसे कैसे रोता होऊंगा, कैसे कैसे उन्होंने मेरा ध्यान दिया होगा, क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए होंगे अपने हिसाब से, चाहे वो सेल्फिश हो, लेकिन फिर भी एक न्यू लाइफ को आप घर में लेके आते हैं, ध्यान देना होता है। तो जब हम हमारी सोच को ऐसी बना लेते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि इट्स ओके इफ पेरेंट्स आर नॉट लविंग, नो, इफ दे आर लविंग इट इज वेरी ब्यूटीफुल, हमारा अच्छे से ग्रोथ होता है। लेकिन जब हम बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम ये उसमें ग्रेटिट्यूड में रहते हैं कि भाई जन्म दिया, ध्यान रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, तो क्या हमें इन चीजों की तकलीफ, थोड़ी पीड़ा कम होने लगती है? पीड़ा होती है, होना स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ी कम होने लगती है। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का ध्यान दीजिए, उन्हें इनवैलिडेट होने मत दीजिए। जो फील हो रहा है लिखिए, कई लोग डायरी लिखते हैं, कई लोग फीलिंग वर्ड्स लेके घूमते हैं मेरे जैसे, कई लोग कुछ और करते हैं या कोई फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो
करते रहिए, सेल्फ पार्टनर्ड रहिए, सेल्फ लविंग रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न नीलम खत्री जी, हाउ टू डील विद रूड पार्टनर हु ऑलवेज अंडर एस्टिमेट यू एंड ऑलवेज स्टॉप एंड टॉक एंड एक्सप्रेस व्यूज, ऑलवेज ब्लेम अस, ऑलवेज से यू आर नेगेटिव एंड जीरो। तो नीलम जी, जो आज का हमारा पूरा शो है ना, जो अभी तक हमने सब बातें करी हैं कुछ सवा घंटा, वो सब ऐसे पार्टनर के साथ में डील करने के लिए है। तो इसमें जो हमने टिप्स शेयर की थी, एक तो उनकी बातों पे हमें बिलीव नहीं करना है कि जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो आपको बिलीव नहीं करना है। आपको पहले खुद को स्ट्रांग बनाना है, खुद को समझना है और खुद को खुद के प्रेम का स्रोत बनना है, खुद को अपनी वैल्यू को समझना है। जब आप अपनी वैल्यू समझ के अपने आप को वैल्यू देंगे, दूसरा इंसान भी आपको वैल्यू करेगा, और अगर वो वैल्यू नहीं करेगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को वैल्यू करना सीख लिया है और आपने ये समझ लिया है कि सबको कैपेसिटी नहीं है मेरी। हाँ, मेरे हस्बैंड अगर मुझे समझते, प्रेम देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और ये बात का मुझे दुख है कि मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं खुद को वैल्यू करती हूँ और मैं अपने आप के साथ में खुश हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये रूड लोगों के साथ में कैसे डील करना, इस पहले खुद से प्रेम करना, खुद की वैल्यू समझना और उनकी बातों को बिलीव नहीं करना। जब हम बिलीव करने लगते हैं तब हम फंस जाते हैं, है ना। तो ये बातें जो वो कह रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप नेगेटिव हो, जीरो हो, ये सब आप क्यों बिलीव कर रहे हैं? अगर उन्हें आपकी वैल्यू समझ ही नहीं आ रही है, हम हीरे की परख है। देखिए नीलम जी, आप हीरे हैं, आप यू नो यू आर लाइक अ ब्यूटिफुल डायमंड। आप हीरे की परख कहाँ पर करवाएंगे? जो हीरे का जानकार हो उससे आप अपनी वैल्यू का बराबर करवाएंगे ना। आप कोई ऐसे ही कोई फेक पत्थर में डील करता है, उसको वो हीरा जाके बोलेंगे, वो उसको उसकी वैल्यू का पता ही नहीं है, कैसे फाइंड आउट करना, कैसे क्या करना, कैसे क्या बोलना। तो बार बार आप उसके पास थोड़ी जाएंगे हीरे की ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, वो तो आप नहीं करेंगे ना। आप हीरे हो तो आप हीरे की सही परख के लिए आप हीरे के जानकार के पास में जाएंगे। तो यू आर अ डायमंड, तो आप अपनी परख, अपने आप को देखने का ढंग आप उनके थ्रू क्यों देख रहे हो जिनको आपकी वैल्यू का पता ही नहीं है? आप अपनी वैल्यू खुद देखिए और ऐसे दूसरे जो फ्रेंड्स के पास में जाइए जो रियली आपको वैल्यू करते हैं और समझते हैं। यस, और देन यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रांग एंड वैल्यूबल इनसाइड एंड देन मूव अहेड। ऑल द बेस्ट नीलम जी। और ये पूरा शो सुनिए, बहुत सारे पॉइंट्स हमने शेयर किए थे, आप शायद लेट आए हैं लेकिन शुरू में बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए। रेखा जी, रिश्ते में रिस्पेक्ट रखकर भी वो हमें तकलीफ देते हैं, फिर भी हम सब भूल कर नॉर्मल होते हैं, फिर भी ओल्ड बातें याद आती हैं, हम कैसे डील करें? यस, यही तो हम करते हैं ना। गलत सी चीजें हो जाती हैं, हमें दुख होता है, फिर हम नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन पुरानी बातें याद आती हैं, तो वो तो आना स्वाभाविक है रेखा जी। वो बातें याद आती हैं क्योंकि घाव हुआ है ना, और वो घाव मतलब जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स इतनी हर्ट हुई हैं, पेन हुआ है, सैडनेस आई है, तो उनको अगर हम हील नहीं करेंगे तो इसलिए वो बार बार इंसिडेंट्स याद आएंगे। इंसिडेंट्स बार बार मन में दो कारण से घूमते हैं। एक तो आपको डर हो जाता है कि वापस ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार वैसे बहुत पीड़ा हुई थी, तो आप अपने आप को आगाह करते रहते हैं, लेकिन फिर सारे टाइम हम फियर में रहते हैं। दूसरा रीजन, ये बार बार रह रहकर भी चीजें बार बार आती हैं, क्योंकि उस समय जो इमोशनल एक्सीडेंट हुआ था, फिजिकल एक्सीडेंट में तो हम हमारी मरहम कर लेते ना, मरहम पट्टी, लेकिन उस समय जो इमोशनल एक्सीडेंट हुआ था, हमने वो सारी फीलिंग्स दबाकर ऊपर से नॉर्मल होने की कोशिश करी, लेकिन वो जो उस समय जो लगा वो हमें व्यक्त नहीं कर पाए, हम किसी से बोल नहीं पर पाए, कोई हमें समझ जा नहीं, किसी ने हमें मरहम नहीं दिया, और हमने अपने आप को वो फीलिंग्स को मरहम लगाना नहीं सीखा। तो जैसे आप वो इंसिडेंट्स आते हैं, आपके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं वो इंसिडेंट्स को देखकर, शरीर में कहाँ पर कैसा कैसा लगता है, वो सब याद आता है जब, और उसे ब्रीथ करते करते हील कीजिए और अपने आप से कहिए कि हाँ, बहुत मुश्किल था ये मेरे लिए, मैं समझ सकती हूँ, मैं अपने साथ हूँ और अपना ध्यान रखूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। तो ये हीलिंग जो एक फ्रेंड आपको देता था वो आप अपने आप को दीजिए, तो वो इंसिडेंट्स धीरे धीरे उनका पावर कम होते जाएगा और आप अंदर से स्ट्रांग होते जाएंगे, और आप बाउंड्रीज सेट करना सीखिए ताकि दूसरे लोग आपके साथ में बार बार वैसा बर्ताव ना करें जैसा वो हमेशा करते आए हैं। तो बाउंड्रीज के बारे में भी काफी कुछ चर्चा करी है मैंने ये शो के बाद,
आपको इसी लिंक पे ये पूरा शो वापस मिल जाएगा, तो सुने रहिए यूट्यूब के यही लिंक पे रेखा जी, और जहां पे भी आप देख रहे हैं फेसबुक है जहां पर भी है वहीं पे वही लिंक पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न, तान्या जैन, डू वी गेट नार्सिसिस्टिक पार्टनर ड्यू टू आवर पास्ट कर्मास? इफ इट इज यस, कैन वी अवॉइड समथिंग इम्पोज्ड बाय कर्मा, और वी गेट नार्सिसिस्टिक पार्टनर बिकॉज आवर पर्सनैलिटी इज लाइक देम? दोनों बातें हैं ना, आपकी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जो उनके लिए परफेक्ट है एक्सप्लॉइट करने के लिए, जैसा मैंने पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिस्क्राइब किए कि क्यों आप उनके साथ फंस जाते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाएंगे, हमारी ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई भी रिश्ते टूटे, लेकिन हाँ वो जो पीड़ा आपको उनसे मिल रही होती थी वो डिसॉल्व होने लगती है जैसे कि आप अपने लेसन लर्न करते हैं। तो या कई रिश्ते छूट भी जाते हैं, कई रिश्ते चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो या नहीं हो लेकिन डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है कि वो आपको वैसे कर नहीं पाते हैं। तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, देयर आर सम लेसन्स टू बी लर्न तानिया जी, जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं कौन से लेसन्स, और यू कैन नॉट अवॉइड एनीथिंग इम्पोज बाय कर्मा। तो अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्टिक पार्टनर है, आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स, आप अपना एस्ट्रोलॉजी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएंगे, दैट पार्टनर विल बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड इन योर चार्ट, सो दैट इज योर डेस्टिनी, दैट इज योर कर्मा, दैट हैज कम बैक टू यू। एंड डू वी गेट नार्सिसिस्टिक पार्टनर बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज लाइक दैम? यस, यू गेट नार्सिसिस्टिक पार्टनर बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी की नीड से पूरी अच्छे फिट होती है, आप अच्छे सेवक बन सकते हो उनके लिए, और आपकी पर्सनैलिटी में है कि आपको बाहर से प्रेम मिले, आपको खुद से प्रेम नहीं, आप खुद को अपने आप को और भगवान के प्रेम के स्रोत से आप कनेक्टेड नहीं है, आपको बाहर से चाहिए रहता है, तो वो आपको शुरू में वो अच्छे से देते हैं, आप फंस जाते हैं। तो यस, ये सब बातें हैं, और आप वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड इफ यू चेंज योर सेल्फ, जैसे मैंने बताया जो लेसन सीखने हैं और जो ये सब मैंने फोर कोर प्रिंसिपल्स बताए हैं, वो सब आप फॉलो करेंगे, आपको अपने आप में चेंजेस आएंगे एंड द सिचुएशन अराउंड यू विल चेंज। मैं नहीं कह रही हूँ वो लोग चेंज हो जाएंगे, वो लोग भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाँ आपकी सिचुएशन चेंज जरूर हो जाएगी, आपको वो वाली पीड़ा नहीं रहेगी। आई से दिस विथ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा प्रोटेक्ट ऑल, माता जी ट्राइड फर्स्ट टैक्टिक, हस्बैंड गॉट इन टू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वेर इज ईगो इज गेटिंग फैंड एंड ही ब्लेम्स मी फॉर दिस एंड सेज ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी एंड ही इज नॉट एट अ लॉस, व्हाट शुड आई डू? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जस्ट बिकॉज उनको मेरी ईगो, मतलब ही इज सो क्लियर, मैं मेरे लिए ये शादी मतलब आप मेरी ईगो फैन करो, और अगर आप मेरी ईगो फैन नहीं कर रहे हो तो मैं दूसरी के पास चला जाऊंगा, मतलब वो रिलेशन कभी था ही नहीं, वो ऊपर ऊपर से बना के आपने रखा हुआ था बट वो रिलेशन कभी था ही नहीं, उनको बस ईगो मसाज चाहिए। सो अब आपकी चॉइस है, आपको उनका वापस ईगो मसाज करके डू यू वॉन्ट हिम बैक इन द मैरिज, फोकसिंग अगेन इन द मैरिज, या आपको लग रहा है ठीक है आपको जो करना है आप कीजिए, मैं सेल्फ पार्टनर रहूंगी, मैं खुद पे फोकस रहूंगी और आगे पढ़ूंगी। देखिए हर एक इंसान का इस सिचुएशन में रिस्पॉन्स अलग होने वाला है क्योंकि हम सबकी नीड्स अलग होती हैं। तो आप अपने आप को समझिए और नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा वो आप खुद के लिए डिसाइड कीजिए, जो आपको अपने आप के लिए सही लगता है। किसी को सही लगता है कि नहीं वो मेरे साथ होने ही होने चाहिए और मैं कुछ भी करूंगी टू कीप द बैलेंस के आगे जाके क्या पता चेंजेस हो सकते हैं, देन गो फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, वो अपना लेसन सीख के अपने आप वापस आएंगे, आपको क्या ठीक लगता है, क्योंकि सबकी नीड सबकी बनावट अलग होती है, तो आप अपना डिसीजन उस हिसाब से बनाइए। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, निखिल कालरा जी, व्हाट अ मदर शुड डू इफ हर सोल इज वायलेटेड बट कांट किल द मदर इन हर सेल्फ बट हर किड्स आर नॉट कन्विंस्ड टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट हर। My mother is most abused and least aware of it. She is confused with leaving everybody and living with my father for my brother's well-being. My father is trying to assassinate her character. Nikhil ji, आप एक बहुत compassionate son हो, आपको
काफी आपके मदर के बारे में अच्छी फीलिंग्स है, दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड सन एंड शी हैज गिवन यू वेरी गुड वैल्यूज। देखिए, हमें लगता है कि वो गलत हो रहा है उनके साथ में, और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज अ गुड साइन, मतलब यू आर अ वेरी कंसिडरेट पर्सन। लेकिन वो उस सिचुएशन में, कई बार लोग इसलिए भी रहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड इग्नोरेंस इज ब्लिस। सेकेंड थिंग इज, सी, ये सब चीजों के साथ में डील करने के लिए करेज भी चाहिए होती है, और कई लोगों को, मतलब वो कॉन्सिक्वेंसेस से, अगर मैं खुद के लिए खड़ी हो गई तो क्या होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस से डील करने के लिए बहुत डर रहता है। तो वो एक चॉइस करते हैं मन में, ये करने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर लूँ इस सिचुएशन में। सो फाइनली शी इज एन अडल्ट एंड शी इज मेकिंग अ चॉइस जो उनके लिए काम कर रही है, या जो उनको वो सही लग रही है। तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और प्रेम से आगे बढ़िए, और प्रार्थना में बहुत बल है। कई बार हम लोगों को कई बातें नहीं समझा पाते हैं, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करें, उनके वेलबींग के लिए, तो भगवान अपना मैजिक कर देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें और खुश रहें। तो आप एक बहुत अच्छे बेटे हैं, अच्छे मन से उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर जो समझना चाहते हैं वो फिर ढूंढते हैं सोल्यूशन, जो जो उसी सिचुएशन में है। एंड ऑल चॉइसेस आर राइट, जो समझ के अपने आप को चेंज करना चाहते हैं वो एक चॉइस है, जो उसी सिचुएशन में कंटिन्यू रहना चाहते हैं वो भी एक चॉइस है। हम किसी की चॉइस को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब अपने एनालिसिस करके अपने हिसाब से वो चॉइसेस कर रहे होते हैं। तो आप अपनी माता के लिए खूब अच्छे से प्रार्थना कीजिए भगवान से, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहें और हमेशा प्रसन्न खुश रहें। ऑल द बेस्ट निखिल जी। अगला प्रश्न। निराली जी कह रही है, मेरे हस्बैंड ने पूरी फैमिली पर ब्लैक मैजिक करवाया है। जब मुझे पता चला तब मैंने बहुत कोशिश की समझाने की कि अब ऐसे साथ रहना बहुत मुश्किल है, रिश्ता टूट ना जा रहा है, क्या कर सकती हूँ मैं? देखिए, आप अपने हिसाब से जो भी आप धर्म पालन कर सकते हैं, जो धर्म आप है, धार्मिक चीजें जो आप पालन कर सकते हैं, ऑफ गुड वैल्यूज, ऑफ यू नो द रिलेशनशिप का जो धर्म होता है, आप वो फॉलो कीजिए। लेकिन अगर अगला आपके साथ में ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या वो ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, देन यू प्रे, सिंसियरली प्रे, क्योंकि कई चीजें हमारे हाथ के बाहर हो जाती है, टैक्टिक्स काम नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती। तो आप फोर कोर प्रिंसिपल्स पे फोकस कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और आपने अपना काम किया है उनको समझाने का, वो कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जिन जिन पे इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया है, भगवान उन सबको प्रोटेक्शन दे और उनका ध्यान करें। और भगवान से प्रार्थना कीजिए खूब अच्छे से कि इनकी भी मतलब बुद्धि ठीक हो, और जो भगवान की निगरानी में हो रहा है वो हमेशा ठीक रहता है, तो भगवान आपको सुरक्षित रखे और जो होगा आपके लिए अच्छा होगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि आप इनको ऑलरेडी समझा चुकी हैं और ये समझ नहीं रहे हैं, तो आप ऑलरेडी वो कर चुकी हैं, तो उसके आगे फिर आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट निराली जी। मुस्कान जी, दिस सेशन हेल्प मी अंडरस्टैंड माई ऑफिस सिचुएशंस, थैंक यू। आई हैव वन डाउट फ्रॉम द टैक्टिक्स, हाउ कैन वी फोकस ऑन गोल्स, और हम कब ये समझते हैं कि अपने हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए? जब आपको समझता है कि गोल्स इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन की कुछ वैल्यू है, जीवन का कुछ उद्देश्य है, तब आप अपने आप अपने गोल्स पे फोकस करते हैं। और मैं नहीं कह रही हूँ हमें एक सेल्फिशनेस, वेस्टर्न सोसाइटी की जैसे सेल्फिश होके देन वी बिकम अ नार्सिसिस्ट, सेल्फिश होके गोल्स पे फोकस करना है। गोल्स पे हम फोकस्ड रहेंगे, दूसरों को भी साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन हाँ, इन लोगों से डील करने से तो अच्छा है मैं अपने गोल्स में आगे फोकस करके आगे बढ़ूँ। तो हमें सेल्फिशली सिर्फ अपने गोल पे फोकस नहीं करना, और ये समझना जरूरी है कि हमारे सबका जीवन की एक का कुछ उद्देश्य है। तो वी हैव स्पिरिचुअल पर्पस एंड वी हैव अ सोशल पर्पस, तो वो दोनों कैसे अचीव करेंगे और आगे बढ़ेंगे विदाउट सेल्फिशनेस? थोड़ा तो आप अपना ध्यान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खुद नार्सिसिस्ट बन जाए, ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। मुस्कान जी, ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न। नीलम जी, कैसे हील करें अगर जिसके साथ रिलेशनशिप में रहें उसने चीट किया, हम लॉयल रहे, बट वो पर्सन डिसऑनेस्ट हुआ, एंड पेरेंट्स के साइड से भी कोई सपोर्ट नहीं है, तब
ऐसे में क्या करे खा, करे खा से हो लाए। ओके तो आपको नीलम जी, वेरी सॉरी टू हियर दैट कि आपको यू नो यू फेल चीटेड इन अ रिलेशनशिप। आप लॉयल थे, अगले ने चीट किया, अगले ने आपकी लॉयल्टी को मिसयूज किया, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया। तो इसमें कई सारे इमोशंस आते हैं। एक तो बहुत दुख होता है क्योंकि जिसके साथ में हम रहना चाहते थे उनके साथ में कई सारे सपने देखे, कितनी सारी चीजें देखी, वो सब टूटने बिखरती हुई दिखती हैं। दूसरा, जो हमने इतनी लॉयल्टी के साथ में इतने सारे लविंग एक्सचेंजेस किए उनके साथ में, अब वो सब सारे मतलब झूठ लगने लगते हैं कि अरे वो सब तो सिर्फ एक ढोंग हो रहा था। तीसरा, खुद पे भी गुस्सा आता है कि क्या मैं बेवकूफ थी जो मैं ऐसे में फंस गई। तो अभी हील कैसे करें, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये आती रहेंगी, और आप अपनी फीलिंग्स को दबाइए मत, कोई जल्दी में मत रहिए कि मुझे जल्दी से हील हो जाना, क्योंकि दिस टेक्स टाइम। ये कोई भी जब रिलेशनशिप ब्रेक होता है ना, इट्स लाइक डेथ, क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो हमारे रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं ना। तो वैसे ही कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तो उतनी पीड़ा होती है जैसे कि कोई मरने के पहले, जिसको डर लगता है मरने के पहले, राइट। तो एक तो जो फीलिंग्स है उन्हें आने दीजिए, ग्रीफ आने दीजिए, गुस्सा आ रहा है गुस्सा आने दीजिए, खुद पे गुस्सा आ रहा है खुद पे गुस्सा आने दीजिए, वो फीलिंग्स को निकलने दीजिए। अगर लिख के आपको अच्छा लगता है तो वो कीजिए, या कुछ क्रिएटिव काम करके आपको अच्छा लगता है वो सारी गुस्से वाली एनर्जी को निकाल के, आप वो कीजिए। अलाउ योर फीलिंग्स टू गो, एंड धीरे धीरे आपको ये धीरे धीरे समझना है कि व्हाट लेसन्स डिड आई लर्न फ्रॉम दिस, सो दैट नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये पहले नहीं करना है, पहले अपनी फीलिंग्स को हील करना है और होने देना है, उनको निकलने देना है। और जो जो फीलिंग्स आ रही है मन में, है ना, उनकी कोई अच्छी परिभाषा बनाइए, एक अच्छे फीलिंग वर्ड्स का चार्ट डाउनलोड कीजिए। आई फेल्ट, यू नो आई फेल्ट बिट्रेड, यू नो जब कोई फीलिंग, कोई इंसिडेंट के बारे में सोच के आ रहा है तो आप एक फीलिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे मुझे बिट्रेयल फील हुआ, या मुझे अकेला लोनली फील हो गया, हाँ आई फेल्ट सैड, आई फेल्ट अग्रीव्ड, आई फेल्ट अनस्टेबल, यू नो क्या फीलिंग हुआ, वो सब फीलिंग वर्ड्स को आप लिखिए। क्योंकि जैसे कोई बीमारी का जब सारा टेस्ट वेस्ट होके जब बीमारी का नाम पता लग जाता है, एक रिलीफ फील होता है, अच्छा ये बीमारी है तो मतलब इसका हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो वैसे ही जब आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और उन्हें नाम देते हैं, तो आप समझ में आता है, अच्छा आई फेल्ट, आई एम फीलिंग लोनली, अच्छा मुझे अब लोनली फील हो रहा है, तो ठीक है अब मैं अपने आप को, ताकि मैं लोनली फील नहीं करूँ उसके लिए मैं क्या करूँ, है ना। तो उससे फिर एक सोल्यूशन आता है। आई फेल्ट बिट्रेड, मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे बिट्रेड नहीं होना है, तो मुझे अपने आप में क्या क्वालिटीज डेवलप करनी है, कितनी मेरी ज्ञान चक्षु बढ़ाने हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट बिट्रेड बाय समबडी। और उसके बाद में भी होगा बिट्रेयल, बिकॉज हम भगवान नहीं, हम सबका कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसे करके हील कीजिए, और जहां पर भी फीलिंग्स फील होती है ना आपको बॉडी में, जब वो इंसिडेंट्स रह रहे के याद आते हैं, तो वो जहां फील होती है, जैसे आपको यहाँ फील हो रही है, तो देन ब्रीद इट आउट, सांस लीजिए, वहां तक भेजिए, और फिर वो जो फीलिंग्स की एनर्जी, उसे रिलीज कीजिए। क्योंकि आप मन में माइंड में बातें चेंज कर रहे हैं, आप इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं, वो फीलिंग्स की एनर्जी भी होती है, वो एनर्जी को आप अपनी प्राण शक्ति के थ्रू आप रिलीज करते हैं, अपने श्वास के थ्रू। तो ऐसे कीजिए नीलम जी, और हम एक गाइडेड मेडिटेशन भी करेंगे थोड़ी देर में, तो आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, इंदु जी, मैं पूजा पाठ सब करती हूँ, किसी को कुछ गलत नहीं कहती, बट कभी कभी घर में बहुत नेगेटिव माहौल हो जाता है, इसमें बहुत परेशान हो जाती हूँ, और ये सोचती हूँ कि क्या मैं ही गलत हूँ इसी सिचुएशन में, क्या करूँ, प्लीज बता दीजिए। हरे कृष्णा। हिंदू जी, आप बहुत सिंसियर हैं, आप बहुत अच्छे से सिंसियरली आप अपने घर को अच्छे से बांध कर, अच्छे से रख कर, अपनी ड्यूटीज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के प्रार्थना करते हुए, बहुत अच्छी बात है। देखिए जब हम लोगों के साथ में रहते हैं ना, तो क्या सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है, और सब अपने स्वभाव से परेशान भी होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तो कई बार वो अपने ही स्वभाव के कारण दो लोगों का स्वभाव मैच नहीं होता घर में, या कुछ मतभेद हो जाता है, इसलिए घर में नेगेटिविटी हो जाती है। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आप उसके बारे में आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले समझ लेना कि ये घर के माहौल को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उससे क्या आपका एक बहुत सारा एक प्रेशर चला जाएगा आपके सिर से।
और जब कोई नेगेटिव माहौल होता है, क्योंकि देखिए जब आप कोई अब ये ये ग्लास है, और ये ग्लास में अगर बहुत सारे कंकर हों तो एक साथ अगर उनको मैं हिलाऊं तो बजेंगे ना। तो ऐसे ही जब घर में और भी मेंबर्स होते हैं, क्या साथ में फ्रिक्शन हो जाता है, तो एक तो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मत दीजिए, क्योंकि सब फाइनली सब फैमिली मेंबर्स और सब साथ में ही रहने वाले हैं, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और जुड़े हुए हैं, और हम भारतीय परंपरा के हैं तो हमारे रिलेशन इतने जल्दी ब्रेक नहीं होते एक दूसरे के साथ में। एक तो प्रेशर मत लीजिए, और समझिए कि हाँ ये नॉर्मल बात है, ये ऐसा होगा घर में, और ये मेरे हाथ की बात नहीं है, आपके हाथ में जो आप कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न। ये इनका वापस से ही एक क्वेश्चन आ गया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस निखिल जीज क्वेश्चन। इन्होंने अपनी मदर के बारे में पूछा था कि वो मदर इज केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग और नॉट, शी इज नॉट अवेयर। सो आई थिंक आई ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न प्लीज। राहुल जी, हरे कृष्णा, माय फ्रेंड हैज गॉन टू हिज सिटी अंडमान एंड निकोबार विद हिज एंटायर फैमिली टू कन्वर्ट हिज रिलेटिव्स टू क्रिश्चियनिटी। शुड आई कंटिन्यू माय फ्रेंडशिप विद हिम? राहुल जी, एक बड़ा पेचीदा सवाल पूछा आपने, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो हाँ, ये धर्म परिवर्तन वगैरह करते हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ही धर्म सही है, बाकी सब गलत वगैरह है। तो आप ऐसे जो कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज से, आपको ऐसे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप रखनी चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? और आप जो भी करेंगे वो दैट इज राइट, इफ यू डिसाइड टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिम दैट इज राइट, बिकॉज अगर आपके वैल्यूज हैं कि नहीं मैं ऐसी चीजों में मुझे कोई फ्रेंड को सपोर्ट नहीं करना, अगर आपको लगता है कि ठीक है उसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं मुझे सही नहीं लग रही हैं, बट मुझे एक ह्यूमन लेवल पे एक कनेक्शन मेंटेन करके रखना है, यू आर राइट दैट वे ऑल्सो। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या अंदर से कंफर्टेबल फील होता है, क्या आपके अंदर फिट बैठता है आराम से, तो वो कीजिए। रिलेशन ब्रेक करना इतना इजी और अच्छा भी नहीं रहता, आपको खुद को अच्छी फीलिंग नहीं आई है, तो आप अपना कनेक्शन मेंटेन करके रखिए एक ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे, बट फाइनली यू डिसाइड व्हाट इज कंफर्टेबल फॉर यू। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वंदना जी, बार बार मैं बाहर से लव केयर पाने के लिए इमोशनली एक्सप्लॉइट हो जाती हूँ। वंदना जी, दैट्स अ वेरी ग्रेट रियलाइजेशन, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता ये, तो आपने बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। और कोशिश करने पर भी इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, और सेल्फ लव अपने आप में खुश नहीं रह पा रही। आई नो इट्स टफ, सेल्फ लव कोई आसान चीज नहीं है, समय लगता है, कुछ समय देना पड़ता है, कई बार ऐसे 1-2 साल भी लग जाते हैं बातें समझने में। तो ये आपको जो फील हो रहा है ये स्वाभाविक है वंदना जी, क्योंकि जब हमें आदत है बाहर से प्रेम लाने की और फिर इमोशनली हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, और आपको पैटर्न आपका समझ में आ गया, ये ही बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने आप को यू शुड एक्चुअली आपको शाबाशी देनी चाहिए कि मुझे ये तो समझ में आ गया मेरा ऐसा पैटर्न है, और नेक्स्ट स्टेप आप ये समझिए कि यस मैं सेल्फ लविंग हो जाऊंगी, अपने आप से प्रेम करने लगूंगी, और धीरे धीरे मैं फिर ऐसे रिलेशनशिप्स में नहीं जाऊंगी जहां मैं एक्सप्लॉइट होती हूँ। तो क्या होता है, आपको लग रहा है सेम चीज रिपीट हो रही है, लेकिन क्या पता अभी जो जिस लेवल का इमोशनली आप इन्वॉल्व हो रहे हो या एक्सप्लॉइट हो रहे हो वो पहले कुछ ज्यादा ही था, अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो समय दीजिए, ये सब चीजों में समय लगता है, एंड बी पेशेंट। ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, आपने इतना अच्छा स्टेप ऑलरेडी ले लिया है समझने का, और धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इमिडिएटली सारे रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, और हर रिलेशन में जब हम ऐसे फंसते हैं ना तो हमें और समझ में आती है, अच्छा ये चीज मुझे ये एंगल से भी अपने आप को और अच्छे से सशक्त करना है। तो टेक एवरीथिंग एज एन इवेंट एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस। अपने आप पे मायूस मत होइए कि मैं बार बार फेल हो रही हूँ, हर एक चीज को एक इवेंट समझिए, लर्निंग एक्सपीरियंस समझिए, और सोचिए कि हाँ मैंने इतना लेसन सीखा, अच्छा अभी ये थोड़ा बाकी रह गया था, अभी नेक्स्ट ईयर अच्छा मैंने इसमें से ये सीखा, और नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न। इंदु जी,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट 1 मिनट, मैं आपसे पर्सनली फोन कर सकती हूँ क्या? आप पहले ये सारे पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, देखिए ऐसा आप, ये क्या है कि मेरे सब जो जो भी है, आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग इन दिस शो, सो प्लीज फॉलो देम प्रॉपरली. जो सो मेनी पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस, इतनी सारी डिटेल्स दी हैं, तो आप अच्छे से फॉलो कीजिए. आपका आंसर है इस चीज में, और मेरी इच्छा है कि मैं सबसे पर्सनली फोन पे बात करूं. एक दिन ऐसा होगा कि मैं इतनी सशक्त हो जाऊंगी कि मैं सारे फोन रिक्वेस्ट और सारे मैसेज रिक्वेस्ट को मैं पर्सनली आपकी सबकी सेवा में मैं हो पाऊं. तो तब तक आप ये शो को फॉलो कीजिए और सारे पॉइंट्स फॉलो कीजिए इंदु जी. ऑल द बेस्ट. और हाँ, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि हमने जो शो है उस पर कनेक्ट विद नमिता करके जो डिस्क्रिप्शन है ना इस यूट्यूब वीडियो का, उसमें कनेक्ट विद नमिता है, तो फेसबुक ग्रुप है लाइफ कोचिंग विद नमिता का, तो वहां पे हमारे पास अब 2,000 लोग हो गए हैं जो जो इस शो की बातों को फॉलो कर रहे हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं. तो वहां पर मैं एक्टिव रहती हूँ एंड आई ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस ओवर देयर एंड आई कैन. एंड ऑल्सो टेलीग्राम का भी लिंक है और एक ईमेल एड्रेस भी, आप अपने ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, तो आपको ईमेल्स भी मिलेंगे हमसे अच्छे वाले, दैट विल हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ. तो इंदु जी, यस, मैं भूल गई थी कि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और आप वहां से कनेक्शन कनेक्टेड रह सकते हैं. पूजा सेन जी, अगर हस्बैंड को किसी चीज से फर्क ना पड़े, चाहे अच्छा करे या कुछ भी, तब क्या करना चाहिए? आई ट्राई स्टिल इट हर्ट्स. देखिए पूजा जी, इट इज नेचुरल. आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं और दूसरा पूरी पूरे उसको कोई एम्पैथी नहीं है, दे आर एपैथेटिक, मतलब दे आर एपैथी, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में इतने बिजी रहते हैं. तो जो रिलेशन की जो का जो रस है वो आपको फील नहीं होता है, फिर आपको लगता है मैं ये रिलेशन में क्यों हूँ, मैं क्यों आई हूँ पे, व्हाट वाज द पर्पस. फिर आपको यू में स्टार्ट फीलिंग कि अरे मैं तो बस काम करने के लिए ही हूँ यहाँ पे, अगले को तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है. तो ये बहुत पेनफुल है और यही हमने आज डिस्कस किया है पूरे शो में, कि ऐसे पेनफुल सिचुएशन में अपने आप को कैसे स्ट्रांग करें, अपने आप को कैसे सक्षम करें, ताकि हम स्ट्रांग हो जाए, हम सक्षम हो जाए, अपने आप का ध्यान रखते हुए हम आगे कैसे बढ़े ये अगले को. और जब हम कई कई बार ऐसा भी होता है, व्हेन वी बिकम स्ट्रांग एंड वी बिकम राइज लाइक द ईगल, देन अदर पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड्स अस चेंजेस. उनका नेचर चेंज हो या नहीं हो, लेकिन उनका जो हमारे प्रति बिहेवियर है वो बदल जाता है. तो अपने आप पे काम कीजिए और आगे बढ़िए. और मैंने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि ये सब काम करना इजी है, जो मैंने 4 कोर प्रिंसिपल्स शेयर किए हैं. पेन विल बी देयर, इमोशनल डिफिकल्टी विल बी देयर, बट वॉट इज द अदर चॉइस यू हैव? या तो फिर वही पीड़ा कंटिन्यू करें, या आप अपना ध्यान रखते हुए अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ें. तो जितना आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो प्रोसेस पेनफुल है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन उसमें फायदा है, तो कीजिए. एंड जैसे आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी सिचुएशन अराउंड यू विल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म, बिकॉज फाइनली हमारा जो वाइब्रेशन लेवल रहता है, हम वो चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज ट्राई दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. खुशी जी, नार्सिसिस्ट जो सामने वाला पर्सन है, वो हमें हमारी फैमिली को चाहे कितना भी बुरा कह ले, उससे कुछ नहीं होता, उस पे कर्म कैसे एक्ट करता है? होता है. जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो जो ऐसा सब बोलते हैं, और जैसा मैंने शो में बिगिनिंग में स्लाइड्स में कहा था, जब उनकी पर्सनालिटी में डिस्क्राइब कर रही थी, उनका कर्म यही है कि वो लोग दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, दे नेवर फील सेटल्ड, दे नेवर फील कंफर्टेबल, क्योंकि वो इतनी इनसिक्योरिटी में जीते, बाहर से हमें नहीं लगता है, बट वो अंदर से इतने सिक्योर होते हैं कि मेरी रेपुटेशन डाउन ना हो जाए, मुझे जो सप्लाई मिल रहा है, जो मुझे वाहवाही मिल रही है, वो कहीं से डाउन ना हो जाए, जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं वो कहीं चले ना जाए, मुझे छोड़ के मैं कहीं एक्सपोज ना हो जाऊं. तो वो कभी चैन से सोते नहीं है, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कोई वो रिश्तों की कुंजी, रिश्तों की जो है वेल्थ, तो उसको एंजॉय कर पाते हैं. दे आर टेरिबली अलोन, टेरिबली डिस्टर्ब ऑल द टाइम.
तो कर्म तो एवरी डे वो लोग सफर कर रहे हैं। हाँ, हमें कुछ ऐसा भयानक एक्शन होते हुए नहीं दिख रहा है, बट वो एक बहुत सफर्ड सोल्स रहते हैं। दे आर नेवर हैप्पी। एंड आई नो हमें अंदर से फील होता है कि उनको कुछ होना चाहिए ताकि वो कुछ रियलाइज करे, लेकिन क्या है, वो शायद रियलाइज करे या नहीं करे। और उन्हें आगे हमें दे आर ऑलवेज ट्रबल्ड। सो उनके बारे में सोच के टाइम नहीं वेस्ट करना है हमको। आई नो वो हमारी आदत बन जाती है, हमें लगता है कि अरे इसको क्यों कुछ सफरिंग नहीं हो रही है वगैरह, एंड आई नो वो नेचुरल है, लेकिन ये सब टाइम वेस्ट है। आप अपने आप पे सारी सोचने की भी एनर्जी, एक एक सेकेंड हमें वेस्ट नहीं करना है उनके ऊपर, हमें सारी एनर्जी अपने आप पे लगा के आगे बढ़ना है। एंड दे आर ऑलरेडी सफरिंग एंड दे विल सफर द एक्शंस व्हाट दे आर डूइंग ऑल्सो। उसका भी एक्शन का रिएक्शन मिलेगा उनको, बट समय हमारे हिसाब से नहीं चलता है, सबकी टाइमलाइन अलग होती है। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, सुमित जी कह रहे मेरी वाइफ के साथ लगातार झगड़े से एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सॉरी टू हियर दैट। मैं हरे कृष्णा मंत्र का चैंटिंग भी करता हूँ पर ये एंग्जाइटी लेवल कम नहीं हो रही है। सुमित जी, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। आई नो ऐसे झगड़े सारे टाइम होते हैं घर में, घर में जाने से भी भयभीत फील करते हैं हम, और वो एंग्जाइटी भी होती है कि अब झगड़ा हो जाएगा तब झगड़ा हो जाएगा। तो देखिए, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें करने चाहिए, वो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी है जो आप हरे कृष्ण चैंटिंग करें, लेकिन क्या हमें हमारी इमोशनल मेच्योरिटी को भी इंक्रीज करना है। तो अगर आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रही है जैसा आपका डिस्क्रिप्शन है, समटाइम्स ये जो योग और प्राणायाम है उससे भी आपकी एंग्जाइटी काम डाउन होती है। कई प्रकार के जो भोजन तत्व हैं वो खाने से भी ठीक होती है, मेडिकेशन से भी ठीक होती है, या आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाकर भी। क्या होता है, आपकी वात, जो शरीर में जो वात है वो पूरा ऊपर से नीचे डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा हम संयम में वापस लाते हैं तो एंग्जाइटी लेवल ठीक होने लगता है। एंड समटाइम्स काउंसलिंग एंड थेरेपी ऑल्सो हेल्प्स। तो आई नो वो झगड़ा कर रही होंगी आपकी साइड से नहीं होगा, लेकिन समटाइम्स आप एक थेरेपिस्ट के साथ में या कोई अच्छे फ्रेंड जो समझदार है उनसे आप बात करके भी आप अपने सॉल्यूशंस सिचुएशन का हल निकाल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना उनका हल निकाल सकते हैं। तो ऐसे होलिस्टिक अप्रोच रखिए, योग प्राणायाम कीजिए, वैद्य के पास में जाइए, अगर मेडिकेशन लेना है वो लीजिए। कई ऐसे भी हर्ब्स हैं जो अच्छे रहते हैं जिनसे माइंड थोड़ा शांत रहता है, जटामासी से अच्छी नींद आती है, और कई ऐसी चीजें हैं जिससे आपको अंदर से काम फील करते हैं। तो वैद्य के पास में जाइए, डॉक्टर के पास में जाइए, थोड़ी कामिंग मेडिकेशंस लीजिए, थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, या कोई फ्रेंड के साथ में अच्छे से बात कीजिए और अपनी एंग्जाइटी को भी डाउन कीजिए। और कई बार एंग्जाइटी इसलिए भी होती है बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। तो जब झगड़े हो रहे होते हैं, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपके क्या विचार हो रहे होते हैं, कैसा आपको कौन से विचार आ रहे होते हैं जिसके कारण आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उन विचारों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या डर फील हो रहा होता है, क्या, क्योंकि एंग्जाइटी मतलब हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, तो क्या डर है, कौन से थॉट्स हैं हमारे फीलिंग्स के नीचे जिनके कारण हमें, तो वो विचारों को हम कैसे बदले। बिकॉज एनी अनहेल्दी इमोशन पॉइंट्स टू सम थॉट्स बिलो दैट वी नीड टू चेंज। तो वो क्या विचार हैं और कैसे आप उनको चेंज करना है, तो ये सब चीजों से आपको हेल्प मिलेगी एंड आई एम श्योर यू विल बी आउट ऑफ इट। सुमित जी, ऑल द बेस्ट। मेरी पूरी प्रार्थना आपके लिए और पूरी गुड विशेस आपके लिए। ऑल द बेस्ट। और अब हमने ये प्रश्न और उत्तर का सेशन अब हम थोड़ा समाप्त करते हैं, और अब हम ये करेंगे कि अब हम एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, और थोड़ा कॉर्ड कटिंग भी करेंगे जो बहुत लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे। तो वी विल ऑल डू दैट। और जो लोग लेट आए, जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, प्लीज लिसन टू द एंटायर शो। ऑल योर आंसर्स आर देयर इन द शो। बहुत सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन हुआ है, सिस्टमैटिकली पॉइंट शेयर किए हैं, और जो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई फैमिली मेंबर सफर कर रहे हैं और उनको हम हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते अनलेस वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं और वो अपने आप को नार्सिसिस्टिक अब्यूज से निकालना चाहते हैं। तो यू कैन डू मच एंड ऑल यू कैन डू इज प्रे फॉर देम, सो दैट दैट भगवान उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे। तो यस, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर समाप्त करते हैं और
पहले भी एक शो किया हमने हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है, वेरी लॉट ऑफ डिटेल्स ये दोनों शो में, तो बोथ शुड हेल्प यू। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स उसमें भी थे, बड़े अलग अलग टाइप के, जिसको जिनसे भी आपको काफी चीजें आप सीखेंगे। सो यस नाउ लेट्स गेट रेडी, अब हम थोड़ा सा काम डाउन होंगे। आई नो बहुत पीड़ा है मन में, बहुत सारी डिफिकल्टीज सिचुएशंस के साथ हम डील किए हैं, और अब हम थोड़ा सा काम डाउन होंगे, थोड़ा अच्छे से गहरी सांसें लेंगे। कंफर्टेबल चेयर पे है या आपको लेटना है या आपको जमीन पे बैठना है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बैठिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। और ये एक हीलिंग गाइडेड मेडिटेशन है, सो दैट यू कैन हील योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेल्फिश रिलेशनशिप्स एंड नार्सिसिस्टिक अब्यूज दैट यू मे हैव गॉन थ्रू। सो प्लीज काम डाउन एंड हील योरसेल्फ। आराम से सांस लीजिए, गहरी सांसें अंदर, गहरी सांसें बाहर। अपने श्वास को अंदर जाता हुआ फील कीजिए और बाहर निकलते हुए भी फील कीजिए। श्वास को ट्रैवल होते हुए फॉलो कीजिए तो ध्यान केंद्रित होता है। अंदर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। गहरी सांसें, शांत सांसें लेते हुए, अपने आप को रिलैक्स करते हुए, आप अपना ध्यान अपने आप पे केंद्रित करते हुए जिन भगवान के जिस स्वरूप से आपको बहुत लगाव है, शक्ति मिलती है, तो भगवान के उस स्वरूप से आप कनेक्ट कीजिए। अगर उनके दर्शन हो पाते हैं तो वो कीजिए या उनके ध्यान कीजिए। और जो उनकी करुणामयी दृष्टि है आपके ऊपर, उसके साथ कनेक्ट कीजिए और उसे समझिए कि भगवान को आपके प्रति कितनी करुणा है, कितना असीम प्रेम है, वो आपको कितना चाहते हैं और वो आपके कितने बड़े सुहृद हैं, वेल विशर हैं, और वो कैसे बिना कारण के, बिना कोई क्वालिटीज के एक्सपेक्टेशन से, बिना कोई ये एक्सपेक्टेशन से कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, वो कैसे आपसे पूरी तरह से प्रेम करते हैं। और भगवान की दृष्टि से जो आशीर्वाद मिल रहा है, उनके चरण कमलों से जो आशीर्वाद मिल रहा है, उनके हाथ से जो आशीर्वाद की एनर्जी आ रही है आप पर, जो कृपा आ रही है, जो कृपा बरस रही है, उसमें अपने आप को पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह इमर्स होते हुए देखिए कि वो आपके पूरे शरीर में वो पूरी ट्रैवल हो रही है, आपके इर्द गिर्द पूरी है वो भगवान की वो कृपा और दया और प्रेम आपके लिए। और कैसे आप उस एनर्जी में बेद कर रहे हैं, यू आर बेदिंग इन दैट एनर्जी, यू आर फुल्ली बेद्ड बाय दैट एनर्जी, फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय दैट एनर्जी। और जो आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, वो एनर्जी में पूरी तरह अपने आप को भीगते हुए देखते हुए वो फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कीजिए। और भगवान जो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं अपने प्रेम की, अपने लव की, अपने एक्सेप्टेंस की, उससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी फील कीजिए। उसको अपने आप उससे अपने आप को सशक्त होता हुआ, स्ट्रॉन्ग होता हुआ, कॉन्फिडेंट होता हुआ
फील कीजिए। और क्योंकि भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप पूरी तरह प्रेम योग्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू आर फुल्ली लवेबल एज यू आर। चाहे वो आपके घर का जो नार्सिसिस्ट है वो आपसे प्रेम करे या नहीं करे, यू आर फुल्ली लवेबल बिकॉज गॉड लव्स यू अनकंडीशनली। भगवान के प्रेम के साथ कनेक्ट होते होते, अनलिमिटेड प्रेम के साथ कनेक्ट होते होते, अनकंडीशनल प्रेम के साथ कनेक्ट होते होते, अपने आप को पूरा सशक्त होता हुआ फील कीजिए, कॉन्फिडेंट होता हुआ फील कीजिए, और अपने आप से कहिए कि मैं प्रेम करने योग्य हूं। मेरे फीलिंग्स की, मेरी इच्छाओं की वैल्यू है, मेरे वजूद की वैल्यू है, मेरे इस एग्जिस्टेंस की वैल्यू है, मुझे जो इस जन्म में कार्य करने हैं, जो मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, या जो मुझे संलग्न होना है, खुद के लिए कार्य करना है, लोक संग्रह के लिए कार्य करना है, वो सब चीज की वैल्यू है, मेरे जीवन की अनलिमिटेड वैल्यू है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। मेरे फीलिंग्स की वैल्यू है, मेरे नीड्स की वैल्यू है, और मैं आज से उन सब का उसी प्रेम से ध्यान रखूंगी कि जितना जैसे भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी अपना प्रेम ऐसे ही करते हुए अपने आप से उन चीजों का ध्यान रखूंगी। मेरी आवश्यकताओं का, मेरे फीलिंग्स का, मेरे गोल्स और एस्पिरेशंस का, मेरी बाउंड्रीज का, मैं सबका ध्यान रखूंगी। मैं ऐसा कोई एक्सपीरियंस में अपने आप को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी जिससे मेरी मेरा संतुलन जाता है, जिससे मेरा फोकस मेरे गोल्स से चला जाता है। आई एम वैल्यूएबल। और मैं जरूर भगवान का एक निमित्त मात्र बनके, एक इंस्ट्रूमेंट बनके अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए एक अच्छे कार्य में लगाऊंगी, और भगवान मुझे उसकी दिशा दिखाएंगे, और जिस दिशा को मैं पकड़ूंगी भगवान उसमें मुझे सशक्त करेंगे। और भगवान के साथ ऐसे कनेक्ट करते हुए जो भी आपको अब तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप भगवान के साथ अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जहां जहां पर आपको उस सेल्फिश पर्सन की या नार्सिसिस्ट की बातें याद करके शरीर में, आपकी ऑरा में, जहां जहां पर काले दाग दिख रहे हैं, गलत एनर्जी दिख रही है, वो सब को आप भगवान की ब्लेसिंग्स के थ्रू, आप उन्हें छू मंतर होते हुए देख रहे हैं, उन्हें डिसॉल्व होते हुए देख रहे हैं, और जहां पर भी शरीर में कुछ भी ट्रॉमा फील हो रहा है उन इमोशंस का, उन्हें अच्छे से गहरी सांस लेते हुए और भगवान की ब्लेसिंग्स के थ्रू उस श्वास को वहां पर, जहां पर भी ट्रॉमा फील हो रहा है, वहां भेजिए श्वास, स्वच्छ प्राण शक्ति को, और उस स्वच्छ प्राण शक्ति से वो जो टॉक्सिक एनर्जी है वहां पर, उसे डिसॉल्व होते हुए देखिए, और उसे अपनी ब्रेथ के थ्रू रिलीज कीजिए बाहर। अगर टॉक्सिक एनर्जी की मात्रा ज्यादा लग रही है तो थोड़ा मुंह से ब्लो आउट कीजिए, ज्यादा जोर से रिलीज कीजिए। जहां जहां पर भी शरीर में उनके विचारों की भी एनर्जी फील हो रही है, उनके विचार जहां जहां शरीर में लगते हैं, जहां जहां आपको अंदर से पीड़ा फील होती है, वो सब जगह पे भगवान की हीलिंग एनर्जी भेजिए श्वास के थ्रू, और वो सारे गलत चीजों को डिसॉल्व होते हुए बाहर भेजिए।
ऐसे करते करते आप अपनी एनर्जी फील्ड को प्योरीफाई किए हैं, अपने विचारों को प्योरीफाई किए हैं, भगवान के साथ कनेक्ट हुए हैं, भगवान की असीम अनुकंपा के साथ, उनका आपके प्रति प्रेम के साथ, क्योंकि आप उनके सेवक हैं। और ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप अपना जीवन अपनी इच्छाओं का अपना ध्यान रखते हुए भगवान के कार्यों में संलग्न होते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे परोपकार हो और जिससे और भी लोग अपने आप का ध्यान रख पाएं और भगवान के साथ कनेक्ट हो पाएं। और शरीर में जब भी आप उनको विजुअलाइज कर रहे हैं, जो जो सेल्फिश रिलेशनशिप है, नार्सिसिस्टिक पर्सन है आपकी लाइफ में, आप जब उनको सामने देखते हैं तो आपको उनके साथ में कहाँ आपके पेट से कुछ, यूजुअली पेट से कनेक्शन होता है आपके मणिपुर चक्र से उनके मणिपुर चक्र तक, आपके हार्ट चक्र से उनके हार्ट तक एक एनर्जी की लाइन बन जाती है, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट हो वैसी टाइप की एक एनर्जी की लाइन बन जाती है, कनेक्टिंग, इंटरकनेक्टेड। और कई बार इतने सारे इंटरकनेक्शंस हो जाते हैं कि आपकी सारी एनर्जी उन तक सकआउट होती जाती है। वो सारे इंटरकनेक्शंस को विजुअलाइज कीजिए। और अब अगर आप आंखें खोलना चाहते हैं तो मैं एक एक्शन करूंगी, आप वो देख सकते हैं, या अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं, वेरी गुड। आप ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि वो सारे कनेक्शंस आपने ऑल ओवर द बॉडी से आपने सारे अपने दोनों हाथों के बीच में ला दिए हैं, लाइक दिस। जैसे कोई हम सारी रस्सियों को लेके आते हैं ना अपने हाथों में, सारी रस्सियों को हम पकड़ लेते हैं, उन्हें ऐसे पकड़ लीजिए और नीचे हाथ, एंड यू विल फील द हैवीनेस ऑफ दैट एनर्जी इन योर हैंड। और अगर नहीं फील कर रहे कोई बात नहीं, इट्स स्टिल हैपनिंग। और फिर जैसे चक्कू का एक्शन होता है, जैसे हम कुछ चॉप करते हैं, वैसे उसे कट कीजिए, 1 2 3, ऐसे कट कीजिए। और इंटेंशन बनाइए कि मुझे मेरी एनर्जी इन तक ड्रेन आउट नहीं करनी है, मुझे जो मेरी एनर्जी है वो मेरे पास तक रखनी है, और जो सारे जो कॉर्ड्स आपके हाथ में रह गए हैं आपके खुद के, ब्रिंग देम बैक टू योर बॉडी। और अब आप विजुअलाइज कीजिए कि आपका जो घेरा है, आपका जो ऑरा है, वो उनसे टोटली सेपरेट है। देयर आर नो इंटरकनेक्शंस हैपनिंग बिटवीन द टू ऑफ यू। तो आपने सारे अपने हाथ में कनेक्ट किए हैं वो कॉर्ड्स जो भी दिखे हैं फ्रॉम ऑल ओवर योर बॉडी, उनको ऐसे 3 बार कट किया है, कट कट कट, सारी एनर्जी अपने आपने अपने कॉर्ड्स की वापस अपने बॉडी में ली है। और आप अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज होते हुए फील कर रहे हैं, अपनी ऑरा को स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं, अपनी ऑरा में से जो भी छिद्र थे, होल्स थे, गलत एनर्जी अटकी हुई थी, वो सब जा चुकी है, एंड यू हैव अ स्ट्रांग ऑरा। So, जिसके कारण वो वापस अगर आपको ट्रैप करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा इतना आसानी से। अपनी स्ट्रॉन्ग ऑरा को विजुअलाइज करते हुए, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को अपने पास रखते हुए, भगवान के साथ, भगवान के प्रेम के साथ पूरी तरह कनेक्ट होते हुए, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, विथ सेल्फ लव, विथ सेल्फ पार्टनरिंग, डीप कनेक्शन विथ गॉड, विथ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एंड नो विक्टिम कॉन्शियसनेस, विथ वेरी सॉलिड आइडियाज कि मेरे फ्यूचर में मुझे क्या करना है, प्रेजेंट में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है। और अगर आपको पता नहीं है तो उसका हम प्लान बनाएंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए कम बैक टू द अवेयरनेस ऑफ द रूम, ब्रीथ डीपली। और जब आप कंफर्टेबल फील करें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस हमें आप चैट में बता सकते हैं।
तो यहाँ पर सोनल कुमारी जी कह रही हैं, वेरी नाइस, व्हेन वी फील लॉर्ड लव्स अस अनकंडीशनली, बीइंग लव्ड गिव्स स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच, यस दैट वाज द गोल, यू नो, हमें भगवान के प्रेम जो हमारे प्रति है उसके साथ कनेक्ट होना है और हमें अपने आप को भगवान की दृष्टि से देखना है, वेरी नाइस. इंदु वर्मा जी, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा. भावेश छाबरा जी कह रहे हैं, हाय, मुझे एक्सपीरियंसेस बताइए आप सबके, कैसा फील हुआ, क्या दिखा, कैसा लगा आपको, ब्राइटन्ड अप. रिंकू जी कह रही हैं, स्नेहल जी इज थैंकिंग अगेन, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग देयर, जिसके कारण हम इतनी अच्छे से कर सकते हैं, और चाहे हम अलग अलग जगहों पे बैठे हैं लेकिन हमारी सबकी एनर्जी एक साथ है और सब एक दूसरे को हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं. सम मोर कॉमेंट्स प्लीज, सम मोर कॉमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सुहासनी जी कह रही हैं, आई फेल्ट एज दो आई हैव द लव इन माई हार्ट एंड आई डोंट नीड माई एक्स टू लव मी, आई डोंट, वेरी गुड, आई कैन जस्ट फील लव बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू गॉड्स लव फॉर यू. रेखा जी वेरी नाइस, कवि जी भी खुश हैं, कवि पारेख जी भी, थैंक यू फॉर योर कॉमेंट. इंदिरा जी, इट्स माई फर्स्ट टाइम, नेगेटिविटी निकल गई काफी, क्या बात है इंदिरा जी. और ये वाइब्रेशन, ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, हमेशा इस शो पे रहने वाला है, इसी यूट्यूब लिंक पे, इसी फेसबुक लिंक पे, और कभी भी जाके आप इसको रेफर कर सकते हैं और कर सकते हैं. मुस्कान जी, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, यू ऑलवेज हेल्प मी विथ योर सेशंस, ओके थैंक यू, एंड आई होप आई विल बी एबल टू मीट यू संजय. मुस्कान जी, हमारे कहाँ गए, मृदुला जी, मुझे मेरा गोल मिल गया है कि इस उसकी लाइट मिल गई है, क्या बात है. निराली जी, वेरी नाइस, फील्स कॉन्फिडेंट. वंदना जी, ग्रेट, फीलिंग रिलैक्स्ड आफ्टर कटिंग द कॉर्ड, आपको एक्चुअली यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड बिकॉज आपकी एनर्जी आप अपने पास रखेंगे. पी आर वेला जी, ओके, गोमती जी, थैंक यू सो मच, फीलिंग लाइट एंड एनर्जेटिक. श्वेता जी, थैंक यू सो मच, शी इज ऑल्सो फीलिंग बेटर. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, थोड़े और भेजेंगे तो हमें और समझ में आएगा. स्नेहल राजमणि जी कह रही हैं, कॉर्ड कटिंग एक्सपीरियंस वाज ग्रेट. पूर्वा जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है शो देखकर, थैंक यू पूर्वा जी. निराली जी इज फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल, वंडरफुल, वेरी नाइस. इंदिरा जी इज फीलिंग गुड. संतोष कुमारी, हरे कृष्णा. सरोजित बसक, हरे कृष्णा. ऑरा इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, यस वेरी नाइस, क्या बात है, भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ब्यूटिफुल. और भी बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं तो यस, आई एम वेरी हैप्पी आप सबको. आरती सोनी जी, मैम मुझे भी आंसर कीजिए कभी. यस आरती जी, वी विल डू इट. अंजलि जी, हाय मैम, हेलो मैम. नेहा जी, जय श्री कृष्णा, फील्स गुड. नीलम जी, आई फील दैट आफ्टर कटिंग द कॉर्ड आई फील स्ट्रॉन्ग. एट क्लियर सुरा, ओके. इंदु जी, प्लीज वेडनेसडे का टाइम बता दीजिए. हर वेडनेसडे 8 बजे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और अगर आपका शो मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग रहती है और पूरे शो की प्लेलिस्ट है. आई थिंक वी आर ऑन द 44th और 45th शो टुडे ऑफ लाइफ कोचिंग विद नमिता. फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग गुड. सुमित जी इज फीलिंग गुड, एंग्जाइटी लेवल बहुत कम हुआ, वेरी गुड सुमित जी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, ग्रेट. तो आप यही मेडिटेशन बार बार कीजिए और आपको एंग्जाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी आपकी, एंड बाकी चीजें भी कीजिए जो आपके क्वेश्चन में आंसर दिया था. आकांक्षा जी इज फीलिंग रिलैक्स्ड, लेखा इज फीलिंग ओके. रेखा जी कहीं चले गए, कॉमेंट्स काफी फास्ट आ रहे हैं. शुभांगी गुजर जी, इनिशियली आई फेल्ट हैवी इन द हार्ट, नाउ फीलिंग रिलैक्स्ड, यस ऐसा होता है तो मतलब एनर्जी जा रही है. थैंक यू सोनल जी, इज फीलिंग कॉन्फिडेंस आ रहा है और बहुत खुश रख सकते हैं अपनी अच्छी एनर्जी के ऑरा के साथ, वेरी गुड. आरती जी इज अ रेगुलर वॉचर. विकास जी, इज इट ओके, दैट वी डोंट नो, दैट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक. विकास जी, इज इट वाइज टू बी इन सच अ रिलेशनशिप. निशा जी, आप बहुत परेशान हैं तो आप ये शो सुनिए, आपको शायद आपकी परेशानी के कुछ हल मिल जाएं. रश्मि जी इज फीलिंग एक्सटेसी, रश्मि खंडेलवाल. और सुपर आदिकंडा बिस्वाल, सुपर शो, थैंक यू बिस्वाल जी, यू आर सुपर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और ऐसे अच्छा लग रहा है कि आप सबको ये शो पे आके, यू नो, यू हैव वेरियस एक्सपीरियंसेस टू शेयर. आगे जाके हम लोग आपके एक्सपीरियंसेस और अच्छे से लेना चाहेंगे इस शो पे, मे बी थ्रू योर वीडियोस एंड मे बी थ्रू हैविंग यू लाइव ऑन द शो एज वेल विथ विथ मी. तो हम ये भी योजना बना रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा हम प्रोग्राम क्लैरिटी ला रहे हैं, तो वी विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट. एंड क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में, सबके साथ में कनेक्ट होते हुए. और अंजलि मिश्रा जी, कॉर्ड कटिंग कैसे करें, ये गाइडेड विजुअलाइजेशन में कॉर्ड कटिंग जस्ट हुआ है तो आपको थोड़ा रिवाइंड करके यहाँ से देखना पड़ेगा जब ये शो खत्म होगा इस पॉइंट से. गोमती जी, थैंक यू सो मच एंड वंडरफुल. संगीता जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, संगीता यादव जी, देन
योर क्वेश्चन इज आंसर्ड इन द शो, सो प्लीज फॉलो दैट. और मृदुला जी कह रही है आप हिंदी में भी लाइव कोचिंग प्ले जरूर करें, वह हिंदी में ही तो शो है. नीलम जी, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही वोंट बी एबल टू मिस यूज मी. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. हेतल जी इज फीलिंग गुड एंड अंजलि इज थैंकिंग मी. वंडरफुल. ओके, अवेक मिंग जी हैज सम कमेंट्स एंड स्पेशल मैसेज फॉर मी, आई विल ट्राई टू फॉलो दैट. थैंक यू. सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड फॉर ज्वाइनिंग एंड कमिंग फॉर दिस शो. आप सबको इस शो से कुछ आपकी पीड़ा में हल मिला होगा, कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा, कुछ निकलने की कुछ योजना बनी होगी. तो प्लीज वो सब फॉलो करते रहिए और हमें कमेंट्स में बताते रहिए. आप सबसे मिलकर हर वेंसडे बहुत अच्छा लगता है. और अगले वेंसडे तक थोड़ी बेचैनी रहेगी आपसे मिलने की, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे कि अगला वेंसडे भी और एक अच्छे शो के साथ आपके सामने आए और एक अच्छे टॉपिक के साथ में. थैंक यू वेरी वेरी मच. हरे कृष्णा.